ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वेबिनार बिकॉज यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ बज़ वर्ड। यानी अक्सर औकात अब जब भी हम किसी नशिस्त में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, किसी तालीमी इदारे का विजिट करते हैं या अपने एजुकेशन के डोमेन में काम करते हैं, तो बार बार ये एक वर्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें सुनने को मिलता है, राइट? तो अब जब भी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म आती है तो यकीनी सी बात है एक ही प्लेटफॉर्म हमारे जहन में आता है जिस पर हम आपसे बात भी करते हैं। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं और आपके साथ शेयरिंग ऑफ नॉलेज करने जा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ विजडम करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दिस एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? इस दौर में कि जब एआई हमारे सामने है, एआई के क्या डायनेमिक्स हैं, अभी शॉर्टली उसको शेयर करते हैं आपके साथ। तो इस दौर में कि जब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा डोमिनेंस हमें नजर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो इतना बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी का, जिसे हम एज ए पेरेंट भी देखते हैं, एज ए टीचर भी देखते हैं, खास तौर पे वो टीचर जो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर यानी इस डोमेन में काम कर रहे हैं और पेरेंट्स, उनके लिए तो बहुत ही अहम डोमेन है जिसे समझना, इसका मतलब ही यह है कि वो अपनी जनरेशन को समझना चाहते हैं। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलॉन्ग विद द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वी हैव प्लान टू शेयर विद यू वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। बहुत सारी डेवलपमेंट जो स्पीड में हो गई है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। इब्तिदा में जैसे कि मिस मरियम ने आपके साथ शेयर किया है कि आप लोगों का जो डेटा है, योर नेम्स स्पेशली, आई वुड अगेन आस्क एवरी वन ऑफ यू कि चैट में आप अपने अपने मुकम्मल नाम वहां पर लिखिए और हमें ये लेट अस नो कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपकी इससे पार्टिसिपेशन भी कंफर्म होगी। एंड एज वी ऑलरेडी शेयर्ड इन 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 द डिटेल ऑफ दिस वेबिनार, विल बी गोइंग टू प्रेजेंट द सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स टुमारो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के नाम हमें यहाँ पर आ रहे हों और हम उसे कंफर्म कर पाएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन के जरिए। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ माय ओन बैकग्राउंड। मेरा मुख्तसर सा तारुफ यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस फील्ड के अंदर जिसे एजुकेशनल डेवलपमेंट, खासतौर पर रिसोर्सेज डेवलपमेंट की फील्ड हम कहते हैं, और उसमें बिलखसूस करिकुलम डिजाइनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग और एजुकेशनल रिसर्च, ये सारी अहम जो फील्ड्स हैं, इसकी बात की जाए तो आई हैव डन एमफिल इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और ऑफ कोर्स उससे पहले इसी फील्ड के अंदर मास्टर्स एंड देन अनदर फील्ड ऑफ थियोलॉजी। देन विद दैट आई हैव डन माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर सर्टिफिकेशन, और माइक्रोसॉफ्ट की जो एजुकेटर कम्युनिटी है जिसमें हम सीखने के बाद कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, आई हैव डन दैट सर्टिफिकेशन ऑल्सो। विद दैट आई हैव ऑल्सो डन अ सर्टिफिकेशन इन इस्लामिक थियोलॉजी दैट इज कॉल्ड अ फुल फ्लेज इस्लामिक स्कॉलरशिप कोर्स, और मास्टर ट्रेनर एज अ टीचर ट्रेनर आई हैव डन एंड कंडक्टेड लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स, अराउंड 200+ वर्कशॉप्स अब तक मुख्तलिफ उनवानात पर, जिसमें लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड इवेलुएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स आई हैव कवर्ड इन माई ट्रेनिंग्स। करिकुलम डेवलपमेंट खासतौर पर मेरा एरिया है, जिसमें मैंने बात की जाए टेक्स्ट बुक्स की, तो अराउंड 40+ टेक्स्ट बुक्स अब तक अलहमदुल्ला एज अ कॉन्टेंट राइटर और इधर एज अ चीफ एडिटर और अ रिव्यूअर मुख्तलिफ कैपेसिटीज के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 40+ टेक्स्ट बुक्स के अंदर काम करने का मुझे एक्सपीरियंस रहा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस, इसके अलावा सोशल स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज, ये वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के अंदर मैंने काम किया, और कोशिश की कि जो वक्ता फवक्ता टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज का इनेकाद करता रहूं। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मैनेज, प्लान एंड एज वेल एज कंडक्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज एंड सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशंस फॉर टीचर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा पब्लिक अपेयरेंस की बात की जाए तो मीडिया से भी एक ताल्लुक है, और मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेशन होती है। आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जापान, और साथ साथ पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन एजुकेशन का भी मैं मेंबर हूँ। तो ये एक आपके सामने तारुफ रख दिया है, तो ये सारा बैकग्राउंड है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज इस मुख्तसर से वक्त के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा इंटरेक्शन रहे, आप लोगों के रिस्पॉन्स भी हम साथ में लेंगे,
और जो हमने प्लान किया आपके साथ शेयर करना और अपनी लर्निंग को आपके साथ शेयर करना, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह करेंगे। तो वेबिनार का जो एक प्लान है आज हमारा, प्लान ऑफ एक्शन और हमारी आउटलाइन, उस पर एक नजर हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी एक्सप्लोरिंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इंटेलिजेंस है, तो हम कहें कि इंटेलिजेंस बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ वी वांट टू एक्सप्लोर द डायनामिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बड़ा बुनियादी सवाल है कि इस इंटेलिजेंस के पीछे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे कौन सी इंटेलिजेंस, इस पर हम बात करने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा कोर एरिया है, जिससे हमने कनेक्ट करना है एआई को, बिकॉज एआई की इन जनरल तो बात होती है, लेकिन अब चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, जिससे मेरा, आपका, पेरेंट्स का, टीचर्स का, हमारा बहुत ज्यादा क्लोज वर्क हमारा रहता है, तो इसके साथ हमें कनेक्ट करना है एआई को कि यहां पर किस तरह हमें हेल्प आउट होगा। तो इसके लिए लाजमी सी बात है कि हमें सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट को खुद समझना होगा कि ये है क्या, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, और इसके बाद विल बी मूविंग टुवर्ड्स एआई टूल्स। ऑफ कोर्स आज का सेशन अगर हम एआई टूल्स की बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा, तो हम आपके साथ कुछ टूल्स भी शेयर करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फ्री ऑफ चार्ज हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सम टूल्स व्हिच आर पेड। सो इट डिपेंड्स कि कितनी जरूरत हमारी है और कितना हम काम फ्री सॉफ्टवेयर्स के जरिए कर सकते हैं, और कहाँ हमें जरूरत होगी, विल बी रिक्वायरिंग पेड और लाइसेंस वर्जन टू बी परचेस्ड। और इसी तरह टीचिंग एंड असेसमेंट के अंदर एआई टूल्स हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं, इसे भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड फाइनली आई विल बी कमिंग विद द बैकग्राउंड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। एआई पावर्ड एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो इवॉल्व हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क, जो बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ ऑपरेट करता है, मुख्तलिफ कैपेसिटीज के अंदर एजुकेशन सेक्टर में परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैसे एआई पावर्ड एजुकेशन को आगे लेके चल रहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, देयर इज यू नो आई ऑलवेज लाइक टू शेयर दिस कोट विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल माई कोलीग्स। जब भी किसी सेशन का आगाज करते हैं तो हम ये बात जरूर शेयर करते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू लर्न, स्टार्ट बाय अनलर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सीखें, या मैं भी ये चाहता हूं कि अपना लर्निंग का मैं जर्नी आगे बढ़ाऊं, सो आई विल हैव टू अनलर्न। अनलर्न का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, टू डिस्कार्ड बट यू हैव लर्न, बट यू हैव ऑलरेडी लर्न। थोड़ी देर के लिए जो आपकी अब तक की लर्निंग है उसको होल्ड ऑन करें, और आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक फ्रेश लेंस के साथ लें। इस तरह क्या होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से वो जो फ्रेश नॉलेज है वो उसके साथ टकराव पैदा नहीं होगा, एक फ्रेश लेंस के साथ आप चीजों को समझेंगे। यकीनन हमारा ब्रेन जिस तरह काम करता है, ह्यूमन माइंड जिस तरह काम करता है, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमें हेल्प आउट करती है नई नॉलेज को गेन करने में, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बाज दफा एग्जिस्टिंग नॉलेज बैरियर बन जाती है। अगर कोई गलत परसेप्शन किसी चीज का हमारे जहन में बैठ जाए, यानी कि लर्निंग तो हुई हो लेकिन वो लर्निंग ठीक से ना हुई, तो जब सही लर्निंग हमारे सामने आएगी तो वो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रेकमेंड एंड सजेस्ट वी शुड बिगिन विद अनलर्निंग। थोड़ी देर के लिए डिस्कार्ड करना होगा हमें चीजों को जो ऑलरेडी हमने उस पॉइंट के ऊपर रखी भी है, और फिर हम एक फ्रेश लेंस से चीजों को समझेंगे। हाँ, ये जरूर है, जहां जहां हम आपसे बात करेंगे आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी हमने एक्सप्लोर करना है। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, और वंस अगेन मैं फिर कहूंगा जो अभी भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएं, वी हैव नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट अब्दुल्ला, वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम सिंध, एंड फ्रॉम पंजाब, एंड फ्रॉम यू नो बलोचिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस इंक्लूडिंग केपीके, एंड वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रोड ऑल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मलेशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। सो व्हाट आई कैन से, टुडेज सेशन इज मल्टी एथनिक, एंड यू नो वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेंट्स का मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी है, और बड़े मुख्तलिफ इदारों से, प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे साथ लोग कनेक्ट हुए हैं। तो इनशाला आई एम वेरी होपफुल दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग सेशन एंड अ सेशन ऑफ विजडम एंड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, एक ही एक्टिविटी है, ये मैं चाहूंगा कि ये लिंक आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन द चैट। अच्छा
I'm sharing this link and you will be clicking on this link and then you will connect. Okay. All right. So here I have shared the link. You can see from the link padlet.com. I shared this link in the chat and I would request Miss Mariam also to copy that link. In case if any participant is having any issue, so you can reshare. उसको copy कर लें. Miss Mariam से मैं request करूँगा जो मैंने group में chat के अंदर एक link share की है. ये एक दफा फिर आप लोग देखिए chat में. I have shared the link. और Miss Mariam can share it with everyone. Yes, Miss Mariam. Okay, sir. Sure. Okay. Now I think everyone can see. I have shared to everyone. Okay, have you found the link? Yes. Okay. Both Miss Mariam and I am we are sharing this link again. Padlet.com. Okay. So everyone has got this link. अब आपने करना क्या? What we have to do is this is an activity. हम ये चाहेंगे आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप देखें पैडलेट ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप खुद भी यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर यू नो शेयरिंग अवर ओपिनियंस एंड डिफरेंट थिंग्स. आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन विद यू ऑल्सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो टू द लिंक. अच्छा यहाँ पर एक सवाल मैंने किया है इस लिंक के अंदर. वो सवाल ये है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए जब भी आप AI का वर्ड सुनते हैं ये टर्म सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके जहन में क्या आता है. आई वुड लाइक टू नो योर परसेप्शंस. मैं चाहूंगा कि आपके परसेप्शंस शेयर हों और हम देखें आपके जहन में क्या चीज आती है जब ये खासतौर पे AI का वर्ड हम सुनते हैं. सो नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन ऑल्सो दिस इज पैडलेट. अच्छा I would request everyone to write down your name also. जब आप इस पे लिख रहे हैं तो अपना नाम भी साथ में लिखें ताकि हमें पता चले कि रिस्पॉन्डेंट कौन है. Anonymous अभी आएगा जब बगैर नाम के साथ आप आ रहे हैं. So try to mention your name please at the end of your comment. अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें कॉमेंट कर रहे हैं पैडलेट पे वो नाम भी फातिमा सिद्दीकी राइट. सो फातिमा सिद्दीकी says that artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence. ओके प्रोसेसेस बाय मशीन्स पार्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम. अच्छा मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों आप लोग सिर्फ अपने जहन में आपके क्या है ना इसका कॉन्सेप्ट. जब भी ये वर्ड आप सुनते हैं आपके जहन में क्या आता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसकी कोई डेफिनेशन अभी नहीं चाहिए. कोई भी डेफिनेशन नहीं चाहिए. आपके जहन में क्या आता है. और ये मुझे खासतौर पर बताएं आजकल के तनाजुर में इफ वी टॉक अबाउट टूडे जब AI का वर्ड सुनते हैं तो कौन सी वेबसाइट आती है जहन में आपके. खासतौर पर ये भी जरूर शेयर कीजिएगा कि जस्ट एग्जैक्टली महवेश चौधरी इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है चैट जीपीटी. तो अब चैट जीपीटी का आप यूं समझ लें कि चैट जीपीटी एंड AI ये दोनों बिल्कुल इक्वली मतलब हमारे जहन में आते हैं. जैसे AI आएगा तो हमारे दिमाग में फॉरन चैट जीपीटी आएगा. तो अगरचे चैट जीपीटी यू नो जस्ट अ टूल ऑफ जेनरेटिव AI ये अभी इस पर बात करते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा डोमिनेंस उसकी है कि लोग ये समझते हैं कि AI चैट जीपीटी ही AI है. बट ऑफ कोर्स चैट जीपीटी हैज यू नो डन वंडरफुल जॉब बिकॉज़ इसके बाद से इसकी वजह से और इसकी पावरफुल होने की वजह से लोगों के पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हुआ है. तो आए जरा हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स की रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. जेमिनाई पावर V1 को पायलट ठीक है. ये प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया है किसी ने. गूगल का जेमिनाई है. माइक्रोसॉफ्ट का एक और प्लेटफॉर्म है को पायलट के नाम से. नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस वेरी गुड वेरी सिंपल इंटेलिजेंस दैट इज मैन मेड. इंटेलिजेंस दैट इज मैन मेड. अच्छा चले इसको देखते हैं. रोबोट्स कम इन माई माइंड. देखिए AI जहाजेब ने लिखा है कि AI का जो वर्ड है वो सुनते ही फॉरन जो चीज हमारे सामने हमारे दिमाग में आती है वो है रोबोट्स. किसी के दिमाग में चैट जीपीटी आता है. किसी के दिमाग में टेक्नोलॉजी आता है. किसी के जहन में ऑफ कोर्स आर्ट इन कंप्यूटर ये भी किसी ने शेयर किया हमारे साथ. सो रोबोट्स 5G जो कॉमन मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है वो रोबोट्स का जो वर्ड है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है. और इस पर हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैटर्न बड़ा मैटर करता है. तो पैटर्न और कोड एंड एल्गोरिथम यू नो
डेटा, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो एआई के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती हैं। तो वी कैन हैव अ लुक, चैट जीपीटी हो गया, 3.5, ह्यूमन मेड इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आई थिंक एआई इज दैट एनी इंफॉर्मेशन विच कम फ्रॉम एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, इट्स अवर फ्यूचर। वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक एआई इज अ रेवोल्यूशन इन कमिंग ईयर्स विच विल अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ अवर लाइफ। एक्सीलेंट, जबरदस्त, आप लोग बड़ा एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। और पैडलेट का ये वॉल आपके सामने खुला है, और मैं आपको बताता चलूँ, ये पैडलेट आप भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा टूल है, एआई बेस्ड टूल है, इस पर आप रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं लाइव रियल टाइम के अंदर। और साथ साथ अब एक जो नया इजाफा इसमें हुआ है, मैं अभी आपको बता दूँ, वो ये कि लेसन प्लानिंग भी इसके अंदर अब आप कर सकते हैं। लेसन प्लानिंग का एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है, राइट? सो आई थिंक हमें काफी सारे रिस्पॉन्सेज मिल गए हैं। अगर मैं अपनी वॉल देखना चाहूँ तो काफी नीचे तक रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। मिस मरियम इज ऑल्सो हैविंग अ लुक एट ऑल दीज यू नो पोस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। तो मिस मरियम, आपके मुताबिक भी मेरे ख्याल में काफी रिस्पॉन्सेज हमारे आ गए हैं ना? यस सर, यस, तो रोबोट एंड मशीन लर्निंग, मैंने हियर द टर्म एआई, आई थिंक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ओके, दैट कैन लर्न एंड मेक डिसीजंस। सुम्बुल नजमी, वेरी गुड। खदीजा नूर ने कहा कि आई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू इनहेंस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, एज वेल एज इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व। इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ओके। इट्स जस्ट इमेजिन न्यू वेज एंड आइडियाज, वेरी गुड। समरीन अब्बास ने अपनी बात की इसमें कि इमेजिन इमेजिनिंग न्यू वेज एंड आइडियाज, ओके। टू मी एआई इज लेस वर्कलोड एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ये तो पूरी फिलोसफी इसके अंदर आ गई हमारी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या टेक्नोलॉजी की कोई और फॉर्म हो, इट यू नो इट एंश्योर्स एफिशिएंसी। इससे वर्कलोड कम होता है, एफिशिएंसी हमारी एंश्योर होती है। एक्सेलेंट, वी आर वेरी हैप्पी टू रीड योर रिस्पॉन्सेज। एंड नाउ एक और मैं पढ़ता हूँ, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। इट इज अ नॉलेजफुल प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प यू इन डिफरेंट वेज। जबरदस्त। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं और आपके रिस्पॉन्सेज वहां पर आते रहेंगे, वो हमारे पास सारे रिस्पॉन्सेज महफूज हैं। वी विल बी सेविंग ऑल दोज रिस्पॉन्सेज, और जब बाद में हम इसका सेशन का रिव्यू करेंगे तब भी आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, बिकॉज दीज आर द इनिशियल थॉट्स। सो लेट्स मूव ऑन विद द प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, ऑलराइट, सो डियर पार्टिसिपेंट्स, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि ये वर्ड और टर्म आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इंटेलिजेंस को दें। तो आप लोग चैट में भी चाहे तो शेयर करें, और मैं मिस मरियम को भी कहूंगा कि वो मुझे रिस्पॉन्सेज के बारे में बताती रहेंगी। शी इज कोऑर्डिनेटिंग इन दिस ट्रेनिंग सेशन। तो इंटेलिजेंस क्या है, फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो इंसान की जो जहानत है, जिसको हम जहानत कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कार जहानत, तो इंसान की जो जहानत है उसका फंक्शन क्या है, बुनियादी फंक्शन, एक दो फंक्शंस अगर आप लोग शेयर करना चाहें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बेसिक फंक्शन क्या है? सो यू कैन, आई वुड, या आई थिंक वी कैन टेक रिस्पॉन्सेज। मिस मरियम, जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, इसकी ऑडियो में भी इनसे कुछ रिस्पॉन्स लीजिए। हिना हैज रेज द हैंड, तो इनको अगर अनम्यूट करें आप किसी पार्टिसिपेंट को प्लीज। यस यस है ना, यू मैं टॉक नाउ, जज़ाकल्लाह, यू हिना, यू कैन अनम्यूट योर माइक। ओके हिना, इफ यू वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग प्लीज। यस, इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, एनी अदर पार्टिसिपेंट इफ यू वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग, कि इंटेलिजेंस का जब आप सुनते हैं तो क्या आपके जहन में बात आती है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली शेयर करें, आप चैट के अंदर हमारे साथ शेयर करें, वी विल बी लुकिंग एट द चैट्स आल्सो। यस प्लीज।
Help humans to explore creativity. Okay, fine. Computer technology. Okay. Solve problems. To think abstractly. Very good. I can see your responses. To think smartly. Advanced solutions. Creation of new thoughts. Very good. Humans can do critical thinking. Zabardast. Okay. Think logically. Okay. Very good. Creativity, innovation, level of abilities, skills, and critical thinking. Very good. Yes. Services provided ready-made. Yes, yes, please, Miss Nilofer, please. Yeah, that's what I'm saying. Like, it's a ready-made services. Ready-made. Okay. So would you like to add on something more with this? The function of human intelligence. All right, I think Miss Mariam, please unmute the mics of these four participants, Hina, Shahida, and other participants. Allow Yeah. them to say. Yes, sir, they can unmute themselves. Yeah, I would request the participants to unmute their mics and say something. Yes, please. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum Myself, Assalam. Your good name? Your good name? Dr. Fauzia Ahmed Siddiqui. Dr. Fauzia. I am an assistant professor at psychology department. That's This is great, a mashallah. Yes, yeah. ma'am. Intelligence is a global capacity or ability to think rationally, act purposefully, and deal effectively in the environment. So Okay. we take it as global level. Global phenomena. Global Global phenomena. phenomena, not only. Okay. So I would like to ask you if you would like to say or share with us just one key feature or the most important feature of intelligence. कोई एक आपके ख्याल में सबसे अहम काम इंटेलिजेंस का क्या है? अगर आप शेयर करना चाहें. Yes, ma'am, can you hear? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यस प्लीज, योर नेम? मिस उरूज हम्माद फ्रॉम यस आयरूट मैम. सिस्टम. वेरी गुड. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. यस ओके फाइन. बट आई एम जस्ट आस्किंग, अगर मैं कहूँ कि इंटेलिजेंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आप डीप कहेंगे. लर्निंग. यस प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर. योर गुड नेम सर? अहमद वकास फ्रॉम गुजरांवाला. जी, अहमद वकास अली फ्रॉम गुजरांवाला. आई वांट ओके, टू थैंक से यू सर. दैट इंटेलिजेंस इज बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम इंटेलेक्ट. जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें राइट अकल अता की है, बेसिकली राइट राइट इट डेराइव फ्रॉम इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन. क्रिटिकल ओके, एक्सेलेंट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये कीवर्ड्स हम ले सकते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जी, कि अल्लाह एक्सेलेंट ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है और उस जी. सलाहियत को इस्तेमाल करके कंप्यूटर की मदद से जब हम काम लेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम काम लेंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Fine, fine. So if you would like to share just, अस्सलाम in your opinion, what is the most important function of intelligence? यानी अगर बहुत सारे फंक्शन सर आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम बात करें इंटेलिजेंस का, तो वो आपके ख्याल में क्या होगा? आई थिंक वालेकुम सर. आई एम यस मेमुना शकील एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द यस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. ओके and फाइन. the problem solving. These are the most important abilities and skills. हेलो हेलो, All right, all right. हेलो, All right. कैन आई स्पीक? Yes, 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 ma'am, please. माय नेम इज समरीन अब्बास. आई थिंक इट्स समवन एल्स इज स्पीकिंग. No, please proceed, please proceed. Then ओके, I will talk on this, inshallah. ओके ओके ओके. आई थिंक इंटेलिजेंस मींस टू क्रिएट ईज इन योर लाइफ. आसान लफ्जों में अगर बिल्कुल जो है, अगर जिंदगी में हम आसानी नॉर्मल लेकर लाइफ आना. बात ठीक. करें, बिल्कुल आसानी लेकर आए किसी भी एक्सपर्ट से. आप, आई एम अ हाउस वाइफ टू क्रिएट ईज इन माई वर्किंग प्लेस. ठीक मेरा जहां तक होल्ड है वहां तक जो है वो ईज को लेकर आए. ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड. सर, कैन आई से समथिंग? लाइक आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस आउट. लाइक इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन एरर्स एंड टू क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस एज वेल. राइट, फाइन फाइन. सो दैट इज यू थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, राइट?
Okay, fine. Now I am going to share my thoughts. I would like I would ask Miss Mariam to once again come back on mute mode, inshallah. Now what we have found out from your responses, pehli baat to aap logon ne kaha ki ye intelligence ki agar baat ki jaye to iske andar jaise abhi kaha I'm unmuting. Okay. पहली बात आप लोगों की जवाब से बात सामने आई कि काम को आसान करना, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, दीज आर द डिफरेंट यू नो थिंग्स. और फिर ये है कि इंसान आमतौर पे जो काम कर रहा है वो मशीन के हवाले हो जाए, राइट? अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात की तो देखें, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा दिमाग क्या करता है. इफ यू टॉक अबाउट अवर ओन माइंड, हमारा अपना दिमाग क्या करता है. देखिए, हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस है, अभी अगर इसकी तरफ हम इतनी टेक्निकलिटीज की तरफ ना आए, इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है, जहानत हमें हेल्प करती है परसेप्शन में, चीजों को परसीव करना. ये फंक्शंस की अगर बात की जाए ना, इंसानी दिमाग की भी जो फंक्शंस हैं उसमें से एक ही है परसेप्शन. अच्छा, परसेप्शन मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई नुकता नजर कायम करना, बल्कि ये कि आप सेंसेस के जरिए से मालूम लेते हैं. यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंसेस और वो जाके दिमाग में प्रोसेस हो, ठीक है? दिमाग में प्रोसेस होने के बाद परसेप्शन क्रिएट होता है. तो आपके सेंसेस के जरिए से डेटा आता है. नाउ आई एम फोकसिंग एंड एम्फेसाइजिंग ऑन डेटा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए और डेटा की हम बात ना करें. डेटा पर सारी इमारत खड़ी है. तो माय सेंसेस कलेक्ट डेटा और वो सारा डेटा आता है फिर मेरे पास, ठीक है? और दिमाग में जाके प्रोसेस होता है. और एज वी लर्न इन साइकोलॉजी, न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड. न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जब कोई चीज हम लर्न करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी है. न्यूरोप्लास्टिसिटी के होने की वजह से इट कीप्स ऑन चेंजिंग व्हेनेवर वी लर्न समथिंग न्यू. तो कभी भी जब हम नई चीज सीखेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनेगा, एंड देन यू नो दैट दैट विल बी अ प्रोसेस. तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने दिमाग की आती है, अगर ह्यूमन माइंड की बात की जाए, तो परसेप्शन है. दूसरा है रीजनिंग. हम रीजनिंग करना चाहते हैं, हम चीजों में कनेक्शन बनाने की अहलियत रखते हैं. अगर कोई हमारे सामने गुफ्तगू करे तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? इसी से फिर हम एनालिटिक्स की तरफ भी जाते हैं. ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे ख्याल में, क्योंकि वी कैन हैव डिफरेंट परसेप्शंस, मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी जहानत का, वो है डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना. एंड यू ऑल नो वेरी वेल, सुबह से शाम तक हम हजारों डिसीजन लेते हैं. एक छोटी सी मिसाल दूं, आप लोग ट्रेनिंग में आए हैं, आपने वेबिनार अटेंड की, दिस इज ऑल्सो डिसीजन. मैंने ये सोचा कि मैं ये कंडक्ट करवाऊंगा, दिस इज ऑल्सो डिसीजन. हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से प्लान आउट किया कि क्यों ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को, हम जब हम उसके उसको मानते हैं, तो क्यों ना फिर AI के ऊपर चाइल्ड डेवलपमेंट को कनेक्ट किया जाए. सो ये सारे छोटे छोटे से काम, खाना, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, मैंने क्या पहनना है, मैंने किससे मुलाकात करनी है, मैंने किस तरह पढ़ाना है, स्कूल मैंने कब जाना है, Each and everything is a decision. हमारी जो इंटेलिजेंस है हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. और अगर हम वाकई इंटेलिजेंट हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म्ड होगी. इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि उसके अंदर दुरुस्त फैसला साजी का एलिमेंट होगा, वो बाकायदा तहकीक के बाद फैसला लिया जाएगा, राइट? सो डिसीजन मेकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो हमें इंटेलिजेंस हमारे करती है. बाकी जिस तरह आप लोगों ने शेयर किया वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इसको रिपीट करें, परसेप्शन, रीजनिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और ऑफ कोर्स क्रिएट करना. फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उसकी बुनियाद पर हम कुछ नया क्रिएट करने की पोजीशन में आते हैं, उसके लिए भी हमें डेटा चाहिए. हमारे दिमाग को भी डेटा चाहिए जो कि सेंसेस के जरिए आता है, राइट? अब हम जरा कनेक्शन बनाए, इसमें आर्टिफिशियल को ऐड करते हैं. तो सिंपली इफ वी पुट, मैं अगर इस टेक्स्ट को ना भी पढ़ू, मैं अगर अपनी बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा सिंपल सा मफहूम यह है, इंटेलिजेंस दैट इज पजेस्ड बाय मशीन्स and that is human like intelligence. ek aisi zehanat jo machine ke hawale kar di gayi hai, machine own karti hai, usko possess karti hai, aur wo human like intelligence hai, right? to jab insaan ke dimag ka jitna kaam hai wo machine ke hawale kiya jayega jo ki human mind karta hai, so that will a reflection and that will be an example of artificial intelligence because we have you know delegated our task, the things that we do on base over on the basis of our own intelligence, that will be done by machines. to wo kaam jo insaan ka dimag karta hai jab wo machine ke hawale kar diya jayega, so that will be called artificial intelligence. aur iska jo aam jo simple mafhoom hai yahi hai ki simulate karna, machine ko ye ability
दी जा रही है, उसको एबल बनाया जा रहा है कि वो सिमुलेट करे, मिमिक करे, किसको? हमारी इंटेलिजेंस को। जिस तरह न्यूरॉन्स की मैंने अभी आपको बात बताई थी, न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन बनता है जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो इसी तरीके का कनेक्शन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, खास तौर पे अगर जेनरेटिव एआई की बात की जाए तो उसमें भी इस तरह का कनेक्शन बनता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मिमिक किया है, सिमुलेट किया है, नकल किया है इंसानी जहानत को, ठीक है? तो अब ये वो जहानत है जो मशीन्स के हवाले है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे मैंने पहले आपको कहा, कैरेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू परसीव, हम परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, लर्निंग का भी काम है इंटेलिजेंस, हमारा दिमाग हमें लर्निंग में हेल्प आउट करता है। तो वही काम अब हम मशीन के हवाले कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं बीच बीच में वक्फा लेके आप लोगों की भी कमेंट्स को शामिल करूंगा इधर थ्रू चैट, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन भी कीजिएगा अगर आपके आप कोई बात कहना चाहते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर कर सकें जो आज हमने आपके साथ शेयर करने। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू नो द थिंग इज, हमारा जो पूरा अमल है ना, जो ह्यूमन माइंड जो एक फंक्शन करता है, वो सारा कॉग्निशन कहलाता है। इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बड़ी वैल्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है, उसने कॉग्निशन को भी रिप्लेस करने की कोशिश की। कॉग्निशन के अंदर पूरा प्रोसेस जिसमें इंसान का दुनिया को समझना, लोगों की बातों को समझना, लोगों के इरादों को समझना, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, तो ये सारा जो कॉग्निशन का फेस है और ये जो इंसान की जहनी सलाहियत है, इसको मिमिक किया है, इसको सिमुलेट किया है। सो तीन टर्म्स आप यहाँ पर बार बार हमें रिपीट होते हैं। वन इस डेटा, जो कि मैंने यहाँ पर सेंटर में लिखा है कैपिटल वर्ड्स के अंदर, डेटा, डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूव नहीं कर सकती, और हमारा दिमाग भी इस तरह के बगैर डेटा के नहीं होता। तो डेटा ड्राइवन अप्रोच होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर हम कोई काम एआई के जरिए करना चाहते हैं तो हमें डेटा प्रोवाइड करना होगा। डेटा ड्राइवन अप्रोच ही वो चीज है जिससे एआई एनहेंस होगा और हमें हेल्प कर सकेगा। दूसरी चीज है पैटर्न। देखिए ये की वर्ड है, पैटर्न का मतलब ये है, जब आप किसी चीज के अंदर रिपीटेड एक्शंस को देखते हैं तो वो पैटर्न कहलाता है। छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, एक बच्चे ने एक मजमून लिखा है क्लास के अंदर, ठीक है, मेरा वतन या माई कंट्री या माई एम इन लाइफ, और उसी तरह दीगर बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी माई एम इन लाइफ के ऊपर एक मजमून लिखा। अब जब आप चेक कर रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कोई ना कोई एक बात रिपीट हो रही है। फर्ज करें कि सब ये बात कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो अगर ये डॉक्टर बनने वाली जो बात है ये 10, 12, 15, 16 ऐसे इसके अंदर रिपीट हो रही है, सो दैट विल बी टर्म एज अ कोड, एज अ पैटर्न, ये एक पैटर्न कहलाएगा, क्योंकि ये वो चीज है दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और ये आप कहेंगे कि इस पूरे डेटा सेट के अंदर हमें ये जो ना थीम इमर्ज होती हुई नजर आ रही है कि यू नो मोस्ट ऑफ देम आर showing their interest in becoming a software engineer and becoming a doctor. तो हमें artificial intelligence को effectively आगे move on करने के लिए इस field में हमें जरूरत है कि हम data, pattern और आखिरी चीज इसके अंदर important चीज algorithm. Algorithm जो कि एक बड़ी sophisticated एक पूरा process है, जो कि of course एक आम आदमी क्या, बल्कि एक वो जो किसी और फील्ड का हो, जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड का नहीं है, बैकग्राउंड नहीं रखता, तो ऑफ कोर्स कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, ये काम वो नहीं कर सकते, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। इट इज यू नो जस्ट लाइक एन एसओपी, जस्ट लाइक अ रेसिपी। किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर अगर आप लिखते हैं, एक फ्लो लिखते हैं, और उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेते हैं जो कि रिपीट हो सके, कोई और भी उसको रिपीट कर सके, सो दैट इज अ वेरी यू नो बेसिक एग्जाम्पल इन लेमैन टर्म्स, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम। बाकी जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन ये पूरी दुनिया अगर आप देखें तो एक जादुई दुनिया लगती है। चैट जीपीटी जब हमारे सामने आया तो इट यू नो इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, लेकिन ये मैजिक असल में मैजिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो पूरी की पूरी साइंस है, उसमें डेटा है, पैटर्न है, एल्गोरिथम है, कोडिंग है, ये सारे कमालात इन की वर्ड्स के हैं जो अभी मैंने आपके सामने रखे। ऑलराइट, अच्छा जनाब, अब एक थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो क्या फर्क है, हम पहले आईटी की बात करते थे, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात करते थे, आईसीटी का बहुत बड़ा जोर हम उस पर देते थे, लेकिन अब ट्रेडिशनल जो रिवायती टेक्नोलॉजी है, जो कि एक आम तौर पे हमारे पास आईटी के जो टूल्स होते हैं, उसमें और एआई में क्या बुनियादी फर्क है? देखिए इसमें बड़ी एक बड़ा सा बुनियादी फर्क यह है कि जो रेगुलर कंप्यूटिंग है ना, जो एक रिवायती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हमारे पास हैं, और जिस तरह वो आईटी का सिस्टम पूरा काम करता है, ट्रेडिशनल सिस्टम काम करता है, दैट लैक द कैपेसिटी फॉर ह्यूमन लाइक रीजनिंग। फर्क यह है कि वो ह्यूमन लाइक रीजनिंग के अंदर लैक करता है,
ठीक है, वहां भी प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग का काम वहां भी है, एल्गोरिथम का काम वहां भी है, लेकिन एआई उससे किस तरह जुदा हो रही है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज, एक इंसान जैसी, इंसानी दिमाग जैसी सलाहियत। तो ये लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, ये वो चीजें हैं जो ह्यूमन कैपेसिटीज हैं, ये वो चीजें हैं जो एआई को ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से जुदा करती है और उसको ज्यादा पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो इट कैन रेप्लीकेट एंड ऑगमेंट ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो ये थोड़ा सा फर्क हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एआई क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर ऑफ एआई की बात की जाए तो ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि जितना तेजी के साथ, यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, या आप ये देखें कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो आया है, जितना तेजी के साथ रेडिकली और अनप्रीसिडेंटेड स्पीड है, पेस है, वो एआई के बाद आपको नजर आता है। खास तौर पे इन्वेंशन लाइक चैट जीपीटी और इस तरह का जो जेनरेटिव एआई की मिसालें हमारे पास जो पब्लिक एक्सेस के अंदर आ गई, तो जितनी तेजी से आप एडवांसमेंट और पेस ऑफ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो पहले नहीं थी। पहले रिवायती तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही थी, लेकिन एआई के आने के बाद आप देखते हैं कि इसने असर अंदाज किया है इंडस्ट्रीज को, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं। हम तो अभी सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, हम आप बात कर रहे हैं कि जनाब हम अपने स्कूल्स के अंदर, अपने तालीमी इदारों में कैसे इसको देखें, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल सर्जरीज के अंदर, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि एआई के जरिए से, रोबोटिक्स के जरिए से काम किया जा रहा है। हेल्थ केयर के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यू नो, यू आर हैविंग अ कार विदाउट अ ड्राइवर, ड्राइवरलेस कार्स, द कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, हेल्थ केयर हो, इन सब के अंदर इसका इन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहा है, और बहुत तेजी के साथ। फर्क यह है कि पहले टेक्नोलॉजी का पेस इतना ज्यादा आपको नजर नहीं आता था, एक एक नॉर्मल पेस, लेकिन अब एआई के बाद इसकी पावर आपको इस तरह शो हो रही है कि बहुत कम वक्त के अंदर आपको आगे जाती नजर आ रही है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा और चैट में इसका जवाब दीजिएगा, मैं वहां से पढ़ूंगा रिस्पॉन्सेस, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। मुझे आप ये बताएं कि जब ये बात की जाती है कि वी हैव अ डेंजर, वी हैव यू नो सम थ्रेट्स, चैट जीपीटी की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड, गोइंग टू कंट्रोल ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों को रिप्लेस करने जा रहा है, इंसानों को कंट्रोल करने जा रहा है। ये जो बातें अब हमारी सोसाइटी में होती है, ना सिर्फ हम करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को कोई नाम है आपके ख्याल में, ये जो थ्रेट है हमें एआई को लेकर, हम बड़े हम डर गए हैं और डर पूरी दुनिया के अंदर है कि कहीं ऐसा ना हो ये मशीन जो है ना वो हमें कंट्रोल करने लगे और वो आजाद हो जाए और बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेकर, जस्ट लाइक अभी तो देखें एक कंट्रोल आपको नजर आता है ना, वो अनकंट्रोल हो जाए, एंड दे आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। तो इस तस्वुर को क्या कहते हैं हम टेक्निकली, मैं चाहूंगा अगर आप लोग टेक वॉर, यस, ये कौन है, सिंगुलैरिटी, जीएम कंप्यूटर, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, और मैं चाहूंगा कि रिस्पॉन्स देखो, इट इट कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है, इसमें हम डिसएग्री कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है इसके ऊपर कि मुमकिन है कि भी नहीं है, इसके ऊपर वी हैव टू स्कूल्स ऑफ थॉट एंड यू नो टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, बट ये क्या है, TNSGRW, ओके, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ यू नो जनरेशन वॉर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एआई इज ओनली डेंजर फॉर नॉन क्रिएटिव पर्संस, वकास साहब, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि खौफ हर एक को बराबर नहीं है, यानी कुछ खाइफ हैं और कुछ खुश भी हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉन क्रिएटिव लोग हैं उन्हीं को ऐसा डर है। गेम चेंजर, ओके, सम ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टुडे, फोबिया, टेक्नोफोबिया, ओके, टेक्निकल वॉर, ठीक है, एआई इज मेड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, सो डोंट वरी। अली शेर साहब कहते हैं कि भाई ये इंसानों ने बनाया तो कोई डरने की बात नहीं। अच्छा चले, ये इस आर्ग्यूमेंट की अजम्पशन है, ये पीछे एक प्रीमिसेस है आर्ग्यूमेंट की, कि चूंकि हमने बनाया तो डरने की जरूरत नहीं। अनम खुर्रम कहती है सिंगुलैरिटी, वी डोंट हैव डेटा प्रिवेसी, ओके फाइन, बड़े डाइवर्स रिस्पॉन्सेज में देख रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है देखकर, रिस्क ऑफ मोर साइबर क्राइम्स, हाँ ठीक है, थ्रेट्स है। मेरा सवाल जैसे ये था कि इसको हम कहते क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ये जो खौफ है एआई का खौफ कि एआई जो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इमोशनल लेस टेक्निकली पावर, टेक्निकल पावर, ओके फाइन, दिस इज जस्ट लाइक टेक्निकल वॉर बट ऑल्सो माइंड ऑफ गेम, आमना ताहिर, वेरी गुड, ओके फाइन, वर्ल्ड विल बी मैकेनिकल, ठीक है, चले होल्ड ऑन करते हैं यहीं पर। डेटा फोबिया, टेक्नोफोबिया, अब ये मुख्तलिफ टर्म्स हमारे सामने आ गए, जिसमें टेक्नोफोबिया, यू नो टेक्निकल वॉर, जनरेशन वॉर, ट्रांजिशन वगैरह वगैरह। अब
फाइनली अब आप सब सुन लीजिए, जो कि कुछ हमारे पार्टिसिपेंट ने शेयर भी किया, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि AI, देर इज अ परसेप्शन दैट AI विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल इन द कमिंग टाइम। और ये भी बात की जाती है कि बस 10 या 10 से ज्यादा कुछ 15 सालों में आप देखेंगे, विद इन 10 ईयर्स और 20 ईयर्स टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी अचीव हो जाएगी। अब इस पे बड़ी डिबेट है, लेकिन ये टर्म याद रखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो कि AI से लोगों को थ्रेट है और एक खौफ है इस कि वो कंट्रोल से बाहर होगी, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। तो ये सिंगुलैरिटी का वर्ड यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट ने यूज किया है, ये कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का। बट अगर वो लोग जो खास तौर पे कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के लोग भी आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, और कुछ वो हैं जो डिफरेंट फील्ड से हैं, क्योंकि हम सब इस फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो खास तौर पे जो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रखते हैं, वो बात जानते हैं कि हम ही इंसान हैं जो कोड करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, ये सारा का सारा जो बैक एंड के अंदर जितना काम हमें नजर आता है वो हम करने वाले खुद इंसान हैं। तो हम जितना क्रिएटिव होंगे उतना ही ये आगे वाली जो टेक्नोलॉजी उतनी उसके अंदर आपको एनहेंसमेंट नजर आएगी। मैं एक बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा, यकीनन ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है कि ये जो AI है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो, ये इसके ऊपर काफी डिबेट है, लेकिन इतना जरूर है कि वो लोग जो AI से दूर हैं और इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी रिप्लेसमेंट में कोई शक नहीं है, वो लोग उन्हें रिप्लेस करेंगे, दोज हु हैव साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे आर यू नो अप टू द मार्क रिगार्डिंग AI, AI कैसे काम कर रहा है, कैसे हमें हेल्प करेगा, कैसे इसके जरिए हमने अपने आप को एफिशिएंट बनाना है और अपने काम को आसान बनाना है और उन चीजों पर फोकस करना है जो मशीन के मामला में नहीं आते। वी हैव टू रिड्यूस अवर वर्कलोड, वी हैव टू बी वेरी एफिशिएंट, किस तरह हम अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी खास तौर पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है AI है इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ा, तो वो लोग यकीनन रिप्लेस करेंगे उन लोगों को जो आज तक टेक सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी से दूर है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, AI एराडोस की बात की जाए तो हमारे आसपास हमें जो AI नजर आती है, आप देखें जैसे अभी हमने बात की गेमिंग के अंदर आपको AI नजर आती है, गेम्स में भी पैटर्न नोट होता है, पैटर्न का वर्ड याद रखिएगा, आगे मैं कनेक्ट करूंगा आपको शेयरिंग ऑफ नॉलेज के लिए। बच्चा जब गेम ऑनलाइन गेम कोई खेल रहा है ना, तो गेम के अंदर भी उसका पैटर्न जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और पता चलेगा कितनी बार ये किस ऑप्शन पे बच्चा गया है, जित नंबर ऑफ टाइम्स वो बच्चा उस ऑप्शन पे जा रहा है, तो इससे भी पता चल सकता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है और किस बुनियाद पर वो उसका उसकी लर्निंग एनहेंस होती है। तो गेमिंग के अंदर भी आपका पैटर्न रिकॉर्ड और ऑब्जर्व हो सकता है, पैटर्न को रिकॉर्ड करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पैटर्न डेटा ये चीजें याद रखनी है, इसको हमें कनेक्ट करना है। डेटा सिक्योरिटी में हमें अपनी दुनिया में नजर आ रहा है, ऑटोमोटिव के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, एंटरटेनमेंट में, ई कॉमर्स के अंदर, आप देखते हैं कि अब जब आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो बाकायदा वो कुछ रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, गूगल पे आप जाते हैं, जी मेल पे आपकी ईमेल के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, वो सारा ऑटोमेटिक एक पूरा सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा होता है, बेस्ड ऑन अवर ओन क्लिक्स, अवर ओन इंटरेस्ट, जिस तरह हम सर्फिंग कर रहे हैं गूगल के ऊपर, जिस तरह ईमेल के ऊपर, जिस तरह की ईमेल्स हमारे पास आ रही है, उसी तरह उसी डेटा को बुनियाद बनाकर चीजें हमें सजेस्ट की जा रही होती है। तो वहां भी AI जो है वो अपना काम कर रही है, ई कॉमर्स के अंदर, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ केयर में, ये तमाम चीजें हैं जो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स नाउ कनेक्टेड टू एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, हम सब इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट कैपेसिटीज। आज भी मेरे साथ इस सेशन में जितने लोग शरीक हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज में, दे आर वर्किंग विद डिफरेंट डेजिग्नेशंस, उनमें बहुत सारे आज हमारे स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, ECE की फील्ड में, अर्ली चाइल्डहुड की फील्ड में काम करने वाले हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल ओनर्स हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखने वाले कुछ लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाकायदा इदारों को लीड भी कर रहे हैं। तो इस डाइवर्सिटी को भी सामने रखे हैं, तो एजुकेशन हमारा आज एक कॉमन, एक मुश्तरका एलिमेंट है जो कनेक्ट हो रहा है AI के अंदर। तो आए फिर अब बिला ताखीर अब चाइल्ड डेवलपमेंट से इसका आगाज करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा डीपली इस पे यहाँ पर हम जाएंगे, ताकि आज का जो सेशन का मकसद है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ AI को हमने कनेक्ट करना, कि इस AI के जमाने के अंदर इतना बड़ा एरिया जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं वो इग्नोर कैसे हो सकता है और हम कैसे उसको इग्नोर करने की कीमत अदा कर सकते हैं। राइट,
चाइल्ड डेवलपमेंट, देखिए आवाज में यहाँ से करूंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट आज हमें जितने शिकवे अपनी सोसाइटी से हैं, वी डू नॉट हैव यू नो फॉर एग्जांपल आइडियल पर्सनालिटीज, हमें मिसाली शख्सियत माशरे में चाहिए होती है, हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चा हमारे सामने आए जो कम्पिटेंट भी हो, विद गुड कैरेक्टर, एथिक्स भी उसके पास हो, उसके अखलाक अच्छे हों और वो बासलाहियत भी, तो बा किरदार और बासलाहियत पर्सनैलिटीज की हमें ख्वाहिश है, बासलाहियत शख्सियात की हमें ख्वाहिश है और बा किरदार भी हो, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब उन बुनियादों पर बच्चे की डेवलपमेंट होगी, यानी बा किरदार शख्सियत पैदा करने के लिए, बासलाहियत शख्सियत पैदा करने के लिए यही दोनों एलिमेंट्स बच्चे की तरबियत में शुरू से शामिल करना होंगे। तो हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले तो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के डायनामिक्स क्या है, बिकॉज हम में से बहुत से ऐसे हो सकते हैं कि जो एआई को तो शायद उसके बेसिक्स को समझते हो लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन हमें नहीं पता, और ये हम दोनों के लिए लाजमी है, एज अ पेरेंट जब हम बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, घर पे हमारे पास बच्चे हैं तो हम हमारा लेंस जरा सा डिफरेंट होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद, और टीचर्स के, ताकि वो चाइल्ड डेवलपमेंट के तकाजों को पूरा करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक पूरी इमारत है, हमारी शख्सियत, आपकी शख्सियत, जो भी आज है, यकीनन हमारे माजी में जितनी डेवलपमेंट हमारी हुई उसने हमें आज का बनाने में पूरा किरदार अदा किया। तो इसके कुछ एरियाज हैं जिसकी बुनियाद पर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है जिसको आप बच्चा कहते हैं, वो बच्चे की शख्सियत की इमारत किन चीजों पे, नंबर वन, द फर्स्ट थिंग इज फिजिकल डेवलपमेंट, खाना पीना, सेहत, इसमें हम क्या फैसले लेते हैं, यानी क्या बच्चा अब अपने खाने पीने के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से दुरुस्त फैसला लेने की उसमें सलाहियत पैदा हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट अगर इग्नोर होती है तो हमेशा से बात की जाती है हेल्दी माइंड इज ऑलवेज इन अ हेल्दी बॉडी, इंसान कितना ही अकलमंद हो अगर उसकी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी सही नहीं है तो उसकी जिंदगी में बड़े मसाइल का उसे सामना रहता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है डेवलपमेंट का, जिसमें हमें हमारा लर्निंग आउटकम ये होता है कि बच्चे के अंदर पहली बात तो उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, दूसरी चीज उसकी गिजा का ख्याल रखा जाए, तीसरी चीज उसमें सलाहियत पैदा हो कि उसने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, उसके अंदर ये बाइफरकेशन वो करना जानता हो, डिफ्रेंशिएट करना जानता हो कि ये खाना मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह और ये मेरे लिए ठीक है, या अगर मैं ये खाऊंगा तो अगर से मुझे टेस्ट फील ना हो लेकिन मुझे एनर्जी ज्यादा मिलेगी। सो दीज थिंग्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ चिल्ड्रन, उनके लिए भी, और जाहिर सी बात है हम जब लुक आफ्टर कर रहे हैं तो हमें तो ख्याल करना ही पड़ता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट एरिया है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, जिसको आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑल्दो कॉग्निशन का तो एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें आती हैं, उसको अलग अलग भी करते हैं, उसकी जहनी जो पहलू है, शख्सियत का जहनी पहलू है उसको तैयार करना, यानी वो थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें उसकी स्ट्रांग होती चले गए, सारा का सारा जो काम है ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आए। क्या वो स्किल्ड थिंकर है, सोचने की सलाहियत है, परसीव करने की सलाहियत है, क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है, ये सारे एलिमेंट्स हम कवर करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के। देन वी हैव लैंग्वेज डेवलपमेंट, शुरू से बच्चे को जैसे वो अभी हम आगे भी शेयर करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज एक होता है, जीन पियाजे की पूरी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सेंसेस के जरिए से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है और सारा का सारा बचपन में कम उम्र के अंदर उसकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो प्योरली सेंसरी मोटर होती है, सेंसेस के जरिए ही वो दुनिया को जान रहा होता है, उसी के जरिए उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे होते हैं अंदर दिमाग के अंदर, लैंग्वेज की जो मैकेनिक्स है वो डेवलप होती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद वी हैव इमोशनल डेवलपमेंट। आज आप देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी बात की जाती है, आपने यकीनन सुना होगा पहले आईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, नाउ वी से वी टॉक अबाउट ईक्यू, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट। हम कहते हैं कि इमोशनल बीइंग्स हमारे पास नहीं है, आज का बच्चा या आज की जो शख्सियतें लोग हमारे पास हैं जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं या जो हमारे लाइफ में हमें जिनसे मिलने का मौका मिलता है, महसूस करते हैं दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, वो अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल करना नहीं जानते और बिहेव करना नहीं जानते, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एंगर को कैसे लेना है, दुख को कैसे लेना है, खुशी को कैसे लेना है, कामयाबी को कैसे लेना है, ये तमाम जो हमारी जिंदगी के तजुर्बात हैं, आर वी रियली इंटेलिजेंट टू यू नो डील विद ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल द फीलिंग्स दैट वी हैव। तो ये पूरा का पूरा डोमेन जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल लर्निंग बच्चे की होती है लेकिन उसको कैटेगोरिकली कॉन्शियसली करने की जरूरत है और उसके लिए ई आई को हमें समझना होगा और ये पूरा एक अलग पार्ट ऑफ यू नो लर्निंग है। सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट,
ये सारी जो शख्सियत की अभी हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं ना, ये सब मिलकर एक होलिस्टिक पर्सनालिटी बनाते हैं, जो यकीनन कई आप लोगों में से लोगों ने ये टर्म सुनी होगी कि एक होलिस्टिक यानी ऐसी पर्सनालिटी ना हो तो जो आइसोलेशन में हो, फिजिकल डोमेन बहुत परफेक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल परफेक्ट हो गया, सोशल मिसिंग है, इमोशनल मिसिंग है, राइट, मोरल मिसिंग है, नो नॉट एट ऑल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होलिस्टिक पर्सनैलिटीज। तो सोशल और मोरल डेवलपमेंट ये साथ साथ होगी, बच्चे ने सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखना है ये हमारे जिम्मे है, और बच्चों की अखलाकी तरबियत हमारे जिम्मे है, और फाइनली जिसके बगैर इंसान की शख्सियत मुकम्मल नहीं होती वो है आइडेंटिटी, यानी इंसान ये जाने कि मैं कौन हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम मुसलमान अपनी बात करें तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये अल्लाह पर जो ईमान है ये ऐसा रासिख हो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कि यहीं से हमारी आइडेंटिटी डेवलप होती है कि हम मखलूक हैं, वो खालिक है, वो उसने हमें तख्लीक किया है, उसने हमें एक निसाब दिया है कुरान की सूरत में, उसने अंबिया को भेजा है, वो पूरा का पूरा एक सिलसिला है हमारी हिदायत के लिए, तो हम बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, तो हमारी आइडेंटिटी एक बंदे की है जिससे बंदगी निकलती है, ये इसी चीज से हमारी आइडियोलॉजी बनती है। तो आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स वर्ल्ड व्यू को कहते हैं ना, दुनिया को देखने का पूरा जाविया, आपका नजरिया, ये सारी चीजें इसके अंदर फेथ आ रहा होता है, तो मुसलमान अपनी आइडियोलॉजी से पहचाना जाता है, फिर ऑफ कोर्स ये आइडियोलॉजी हमें हेल्प करती है हमारे कैरेक्टर को बनाने। आज इतनी आप देखते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की जाती है, साइकोलॉजी का एक पूरा पार्ट है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की भी बात की जाए तो बाकायदा हमारी जो तालीमात होती है हमारी दीन की, वो हमें हेल्प आउट कर रही होती है बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के अंदर, हमारे कैरेक्टर को बनाने के अंदर, और बाकायदा उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। इंसान हम जानते हैं इट्स यू नो जस्ट इट्स नॉट ओनली अ बॉडी, वी हैव अ सोल, हमारी एक रूह है और उस रूह की कुछ रिक्वायरमेंट है, और उस रूह की गिजा जो है हमारा दीन हमें बताता है कि वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, इबादत है, जब इबादत में बंदा सर झुकाता है, उसका सर झुकता है, तो ये सर का झुकना इबादत के अंदर एक रुकन भी जब अदा हो रहा था तो उससे वो बच्चा या इंसान स्पिरिचुअली एम्पावर हो रहा होता है, तो इसलिए स्पिरिचुअली एम्पावर करना भी जरूरी है बच्चे को, और अगर ये स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देंगे तो टोटली जो पर्सनैलिटी हमारे सामने आएगी वो इट विल बी वेरी यू नो मटेरियलिस्टिक, और ये इग्नोर हो जाएगा एलिमेंट, और इससे बहुत ज्यादा डैमेज होती है पर्सनैलिटी जब प्योरली आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, और जिंदगी में जब भी आप फैसले ले रहे होते हैं आपके सामने सिर्फ मैटर एंड मटेरियल बेनिफिट्स आपके सामने होते हैं, राइट। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर हमें हमें हमारा दीन हेल्प करता है, और ये अल्लाह का जिक्र और इबादत ये वो चीज है जो हमें मजबूत करती है स्पिरिचुअली। सो दीज वर यू नो द चाइल्ड डेवलपमेंट एरियाज, अब स्टेजेस को देख लें, ये जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने हमें बताया खासतौर पर पियाजे की अगर आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला सेंसरी मोटर है, ये देखिए ये लेवल्स हैं जिन लेवल्स के जरिए से हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट को हम करते हैं और वो हो रही होती है। सबसे पहले सेंसरी मोटर है, बच्चा सिर्फ सेंसेस के जरिए से इंफॉर्मेशन को ले रहा होता है, और उस सेंसेस ही उसके उसके दिमाग में आने वाली नॉलेज के सही और गलत की बुनियाद होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इमेजेस को एक्सप्लोर करता है, इमेजेस में से मीनिंग निकालता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वो स्टेज है जब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत करता है, चीजों में कनेक्शन उसको बनाना आना शुरू हो जाता है कि अब उसके सामने दो चीजें रखी जाएं तो उसमें कनेक्शन बना सकता है कि दो सिमिलर है या डिफरेंट है, इफ यू फॉर एग्जाम्पल गिविंग डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वो डिफ्रेंशिएट करने की उसके अंदर पोजिशन आती है, एनालिसिस करने की पोजिशन आती है, तो लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लेवल के ऊपर इंडक्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है, एक रीजनिंग डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है। इंडक्टिव रीजनिंग यह है कि आप स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ यानी पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर एक कैट को देखा, दूसरी कैट को देखा, तीसरी चौथी पांचवी 12-15 कैट्स को देखा, तो ये नतीजा निकाला कि सारी जो कैट्स हैं वो इसी तरह की स्ट्रक्चर की होती है, स्कीमा, एक स्कीमास का जो कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने पेश किया, तो अब ये एक नतीजा निकाल लिया क्योंकि उसने 12-13-15 दफा एक तरह का स्ट्रक्चर देखा, तो अब वो कहेगा नहीं इसी तरह होती है क्या है। अगला स्टेज जो है वो डिडक्टिव होता है जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये फाइनल एक स्टेज है जिसमें आप प्योरली लॉजिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, फैसलों के अंदर क्वालिटी ऑफ डिसीजन आपको पता चलती है, चीजों का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना आपको आता है, और आप डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ आते हैं, यानी यू मूव फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, यू मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, अब आप एक अपनी राय पेश करते हैं, एक उसूल पेश करते हैं, और उससे चीजों को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, ये डिडक्टिव रीजनिंग की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती है, और ये एक एडवांस स्टेज होता है डेवलपमेंट का। जेड पी डी को मैंने
डेलिब्रेटली यहाँ पर शेयर किया है। अब मैं कुछ देर में आप लोगों के कमेंट्स की तरफ भी आ रहा हूँ, बस इसको जरा देख लें। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विगॉट्स्की एक बड़ा नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जिस तरह पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो विगॉट्स्की की भी थ्योरी है। वो सोशल एलिमेंट्स पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि किस तरह एनवायरमेंट और ये जो सोशल एलिमेंट्स हैं बच्चे के अतराफ की चीजें, ये असरअंदाज होती है। उस थ्योरी की हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ZPD को देख लें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये कि देखें एक वो एरिया है बच्चे का जिसमें वो खुद बगैर किसी की मदद के सीखता है, ठीक है, और एक वो एरिया है जिसमें उसे किसी की मदद चाहिए होती है, ठीक है, और एक वो एरिया जो वो सीख ही नहीं सकता, उम्र का हिस्सा है, जैसे 2-3 साल का बच्चा है। तो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। हर उम्र के हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप छोटे बच्चे से नहीं कह सकते कि वो इतने माइल्स रन करके दिखाते हैं आपको। 3 ईयर्स का बच्चा है वो हर कितने जो ना जनाब 10 माइल्स और 5 माइल्स स्पीड के साथ आपको वो रनिंग करें, तो आप ये भी हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है कि बच्चे की जो उम्र है उसके हिसाब से उसके माइलस्टोन्स हैं। और ये बाकायदा हमारे पास पूरी रूब्रिक्स हैं, अगर आप उसमें पढ़ना चाहें आपको वेब पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की रूब्रिक्स आपको मिलेगी, आपको बाकायदा पॉइंट्स मिलेंगे किस एज में कितना एक्सपेक्टेशन रखी जाए। अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मली बच्चे से अगर एक्सपेक्टेशन रखी जाए तो उससे उम्र के हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया 3 तरह की चीजें हैं। नंबर एक वो चीजें जो बच्चा बगैर किसी मदद के सीख सकता है, वो जो किसी की मदद के साथ सीख सकता है, और तीसरा जो है कि वो किसी की मदद के साथ भी नहीं सीख सकता। तो हमें एक स्पेस मिलती है कि हमने वो काम करवाना है जो हमारी मदद के साथ बच्चा लर्न कर सके, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। इसमें ऑफ कोर्स हमें टेक्नोलॉजी भी हेल्प करेगी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास साइकोलॉजी में, कि हम कितनी उम्र के अंदर बच्चे से क्या तवक्को रखें वो पढ़ना जरूरी है, ताकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे अबव ना हो जाए, राइट। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और अपने आप के अंदर विगॉट्स्की एक बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी के अंदर। अच्छा, अब जरा फैक्टर्स को देख लें, और फैक्टर्स के बाद हम मूव ऑन करेंगे। जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है वो हम आएंगे आपको टूल्स की तरफ लेकर जाएंगे। तो उससे पहले देखिए, ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बच्चे की जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ना, हमें ये जानना चाहिए कि उस पर कौन सी चीजें अफेक्ट कर। पहली है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की ये है कि जो माँ बाप की तरफ से और एक मौरूसी चीजें उसके पास ट्रांसफर हो रही है, ये भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर बच्चे की अपनी सलाहियतें भी शामिल है, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज लाजमी नहीं होता कि वो एनवायरमेंट से उसने ली है, बार दफा मौरूसी भी होती है जेनेटिक्स के अंदर ट्रांसफर होती है। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग बच्चे की, देखें एक बच्चा फूल की तरह होता है बाग के अंदर, जिस तरह किंडरगार्टन का जो टर्म कॉइन की थी फ्रोबल ने, तो फ्रोबल ने जब कहा किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन का मतलब क्या था, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की जिस तरह फूल की निगहदाश्त होती है ना एक बाग के अंदर, बच्चे को भी वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो उसकी फिजिकल मेंटल वेलबींग का ख्याल रखा जाएगा, तो यू विल सी अ डिफरेंट चाइल्ड, आपको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का बच्चा परवान चढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर इस चीज को इग्नोर कर दें तो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये फैक्टर है जो असरअंदाज होता है। न्यूट्रिशन, उसकी गिजा बहुत मैटर करती है। अब गिजा में ये नहीं है कि उसको किसी खास किस्म की एक लिक्रेटिव और बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की गिजा उसको खिलाया जाए, जो खिलाया जाए उसकी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आपको हमें पता होने चाहिए। न्यूट्रिशन एलिमेंट्स अक्सर चीजों के पीछे भी लिखे हुए होते हैं, और जो फ्रूट्स वगैरह की बात की जाए तो हम उसको पढ़ें कि एक अगर बच्चे ने ऑरेंज खाया है तो उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो एक कितनी कैलोरीज एक बच्चे को देनी चाहिए कितनी उम्र के अंदर, ये अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी चाहिए ताकि हम उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। इवन इफ वी आर नॉट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, एटलीस्ट इतना जरूर हो कि बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी हो जाए, उसकी कैलोरीज के मुताबिक उसको खिलाया जाए। फैमिली और सोसाइटी बड़ा असरअंदाज होती है। जब फैमिली होती है, अगर फैमिली मेंबर्स का जो बिहेवियर है वो बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा, सोसाइटी में बाहर निकल रहा है औरों के साथ बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, उनका बिहेवियर सब, ये सब उसकी पर्सनालिटी पर अपना अपना कलर करते हैं। बट ऑफ कोर्स डोमिनेंट कलर वही होगा जिसका कलर ज्यादा होगा। इफ पेरेंट्स हैव वर्कड अ लॉट दैट कलर विल बी रिफ्लेक्टेड, इफ स्कूल हैज वर्क अ लॉट, इफ टीचर हैज वर्क अ लॉट, जिस इंडिविजुअल का काम ज्यादा है उसका ही कलर आपको बच्चे पे रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा। और ऑफ कोर्स फाइनली वी हैव एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा एक्सपोजर बच्चे को है और जितना ज्यादा एजुकेशन के लेवल्स बच्चे के बढ़ रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। यहां पर मैं आपको एक चीज से कनेक्ट करना चाहूंगा
पियाजे ने जब अपनी थ्योरी पेश की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उसने उसमें ना एज फैक्टर भी बताया कि 0 से लेकर 2 तक, उससे आगे उसने कहा कि इतनी एज में सेंसरी मोटर है, इतनी एज में प्री ऑपरेशनल है, इतनी एज में कॉन्क्रीट है, इतनी एज में फॉर्मल है। अब अगर आप उस थ्योरी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आज का बच्चा जो 2 ईयर्स के अंदर आपको करता हुआ नजर आता है, उसकी जो स्किल आपको नजर आ रही होती है, उसका जो पोटेंशियल नजर आ रहा होता है, उसकी एक्टिविटी, वो पिछले सालों में, पिछली दिहाइयों में आपको 7 8 साल का बच्चा भी करता हुआ नजर नहीं आता था। यानी अब आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर की वजह से वो डेवलपमेंट जो आगे जाके सालों में हो रही है, वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो रही है। ठीक है, यानी आज आप 2 साल के बच्चे से वो 5 6 साल वाली एक्सपेक्टेशंस भी आपको पूरी होती नजर आ रही है। बाकायदा वो आपको गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा, इंटरेक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि वो काफी हद तक एक सर्टेन लेवल तक लॉजिकल रीजनिंग भी कर रहा होगा। वो जुमलों में आपको बात पता चल जाएगी कि वो लॉजिकल रीजनिंग भी कर रहा है। इसका मतलब पियाजे ने जो बात की थी कि वो जना आपको 7 8 साल 9 साल की एज के अंदर ये माइल स्टोन अचीव हो रहा है, तो माइल स्टोन अब जल्दी अचीव हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी की एक्सपोजर की वजह से माइल स्टोन जल्दी अचीव हो रहे हैं। तो ये एक वजह है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा असरअंदाज करती है। अब एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, मिस मरियम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जरा चैट्स पे आप देखिएगा, चैट्स पे मैं आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स एक लेना चाहूंगा, और वो ये है कि मुझे आप लोग जरा क्विकली शेयर करें, ये आप मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर बच्चे में क्या कैपेसिटीज बच्चे की बढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर, क्योंकि एआई के हम अब कनेक्ट करने जा रहे हैं एआई को, अब फाइनली अगला जो हमारा पार्ट है वो एआई को कनेक्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी मैं राय लेना चाहूंगा, आप लोग जरा शेयर करें कि टेक्नोलॉजी बच्चे की कौन सी कैपेसिटीज को बढ़ाएगी। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एआई ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, हाउ कैन टेक्नोलॉजी यू नो एनहेंस कैपेसिटीज ऑफ अ चाइल्ड, प्लीज। ऑलराइट, तो जवाब आना शुरू हो गए हैं, लर्निंग स्किल्स ओके एनहेंस होंगी, मेमोरी ठीक है, मेमोरी एनहेंस होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग में इजाफा हो रहा है, ठीक है, सही है। अच्छा मैं एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोगों से शेयर करता चलो, क्योंकि हमने बात किया डेटा और पैटर्न की, तो मैं जवाब में पैटर्न भी, आई कैन सी द पैटर्न, जैसे अब क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, सो दैट इज अ पैटर्न के मैं मुझे ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ कि ज्यादातर रिस्पॉन्सेज में मुझे क्रिटिकल थिंकिंग का ही टर्म नजर आ रही है, एंड नाउ आई कैन सी परसेप्शन ठीक है, एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए बार बार ये काफी रिस्पॉन्सेज में हमें रिपीट हो रहा है, तो दिस एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैटर्न। देखिए अगर आपने एआई को समझना है तो आपको डेटा और पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग लेना होगी, अगर आप इस राज को समझ गए तो हो सकता है आप खुद आने वाले वक्तों में इस फील्ड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, अभी तो हम सिर्फ इसके यूजर हैं और कंज्यूमर हैं। इवन यू कैन डेवलप योर ओन टूल्स एंड सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, सेल्फ लर्निंग ओके, ऑनलाइन लर्निंग ओके, क्रिटिकल थिंकिंग वंस अगेन। अब आप लोग भी नोट करते जाएं कि पैटर्न क्या चीज होती है, इमोशनल ओके, डिजिटल लिटरेसी एंड कोलैबोरेशन, स्किलफुल थिंकिंग, एबिलिटी ऑफ अडैप्टेशन, अडैप्टेशन ये कि ढल जाने की, किसी चीज में एडजस्ट हो जाने की जो कैपेसिटी है, मैकेनिकल इनसाइट, अच्छा हेल्प इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ओके फाइन, पैटर्न, जी पैटर्न का मैंने बताया, देखिए रिपीटेड एलिमेंट्स को पैटर्न कहा जाता है, जो चीज आपको रिपीट होती है नजर आती है, डिजाइन के अंदर भी पैटर्न एक चीज होती है, जो एक खास किस्म का डिजाइन है, पैटर्न एक रिपीटेड एलिमेंट होता है जो आपको बार बार सामने आता नजर आ रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं जीमेल पे जाता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जीमेल पे अब मेरी ज्यादातर ईमेल्स आती हैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से, एजुकेशन रिसर्च के हवाले से, तो मैं बार बार उस तरह की ईमेल्स के ऊपर मैं उनको खोलता भी हूँ, मैं उनको पढ़ता भी हूँ। अब बैक एंड के ऊपर मेरा ये पैटर्न जो है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस पैटर्न को महफूज किया जा रहा है, क्योंकि बार बार का मेरा एक्शन है, तो अल्टीमेटली अब मैं देख रहा हूँ कि अब मैं जब खोलता हूँ जीमेल, तो मुझे एजुकेशन रिसर्च के ऊपर, खासतौर पर रिसर्च जर्नल्स की, टेलर एंड फ्रांसिस एक बड़ा जर्नल है, आप यकीन जो रिसर्च की फील्ड से जानते होंगे, टेलर एंड फ्रांसिस की मुझे वो रिकमेंडेशन आ रही होती है, एमेराल्ड इनसाइट की आ रही होती है, जे स्टोर की आ रही होती है, इंटरनेशनल जर्नल्स की, तो ये क्यों हो रहा है, मेरे बार बार किए हुए अमल को उसने रिकॉर्ड किया बैकएंड पे, दैट वाज अ पैटर्न, और उसी बुनियाद पर मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन।
अच्छे जवाब हमारे पास आ गए कि एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल, ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हमारे बच्चे की कैपेसिटी जो है इससे बढ़ जाएगी अगर हमने टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर उसको दिया। चलिए अब जरा उसको हम देख लेते हैं। देखिए तीन तरह की चीजें हैं अगर आप लोगों की बात को भी लिया जाए तो। पहली बात है कंपीटेंस, बच्चे की कंपीटेंस में इजाफा होगा। कंपीटेंस हर तरह की हो सकती है, ये सोचने की सलाहियत भी है, चीजों को पिक करने की सलाहियत भी है, चीजों को समझने की सलाहियत भी है, रिपीट करने की सलाहियत भी है, ऑल टाइप्स ऑफ स्किल्स, इन तमाम के अंदर कंपीटेंस और महारत आपको नजर आएगी, ये बढ़ जाएगी बच्चे की टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर की वजह से। सोशल इंटरेक्शन में भी इजाफा होता है, यानी बच्चा इंटरेक्ट करना, क्योंकि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे टूल्स जो इंटरेक्टिव टूल्स हैं तो वो भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं इंटरेक्शन को एनहेंस करने में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लिख लीजिए अपने पास, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मैं खुद मुख्तार हूं, मैं आजाद हूं, यानी कि मेरे पास इख्तियार है भाई, मैं खुद कुछ कर सकता हूं, खुद कुछ करने का इख्तियार, मेरी आजादी, मेरी इंडिपेंडेंस, मेरी लिबर्टी, ऑटोनॉमी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है, बच्चे में अपने आप के ऊपर एतमाद पैदा होता है, खुद एतमादी में इजाफा हो जाता है कि देखिए मैं कर सकता हूँ। एक आप बच्चे को आप दें कोई टूल, आप दें उसको लैपटॉप पे आप बिठाएं, इवन इफ कोई गेमिंग एलिमेंट करके दिया, तो करने के बाद जब वो अचीव होता है बच्चे में सेंस ऑफ ऑटोनॉमी और अचीवमेंट पैदा होता है कि मैंने कर लिया, यानी कि मैं कर सकता हूँ। और कुछ ही अर्से के बाद आप देखते हैं बच्चा खुद आपको कहेगा मैं कर लूंगा, ये मैं इसके अंदर कलरिंग भी कर सकता हूँ, मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ, मैं ये इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। इस तरह बच्चे में ये चीज पैदा होती है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो खुद मुख्तार है, वो ऑटोनोमस है, वो खुद कुछ कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा जबरदस्त जो काम कर रही है, जो एक्सपोजर है, कि ये इंडिपेंडेंस जो अगले स्टेजेस में अचीव होता है ना, कि हम बड़े हो गए, अब हमें पता है कि वी हैव इंडिपेंडेंस, हम बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हैं, हम स्किल्ड हैं, हम खुद मुख्तार हैं, बच्चे के अंदर बचपन में ही पैदा हो रही। तो ये फिर से मैं कहूंगा कि ड्रॉप डाउन हो गई चीज, और वो माइलस्टोन जो अगली जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में अचीव होते थे बचपन के अंदर अचीव हो गए। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अब जरा देखिएगा क्योंकि अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद मैं टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आप लोगों ने इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर अभी तक कुछ इतना ज्यादा किसी और पॉइंट पे या किसी एक एलिमेंट को आप देख रहे थे, तो अब जरा इस स्लाइड पर आ जाए। ये स्लाइड मैं समझता हूँ एक क्रक्स है आज के सेशन के लिए और आगे भी इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट को हमने समझ लिया, हमें पता चल गया कि जनाब इसकी ये पांच और छह एरियाज हैं जिसमें हमें फोकस करना है, स्टेजेस को हमने सामने रखना है। अब अगर बात की जाए कि एआई कैसे इंटीग्रेट करें, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायनेमिक्स ऑफ लर्निंग है क्या। एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लर्निंग किस तरह हो रही होती है। पहली चीज, डेटा ड्राइविंग टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए डेटा ड्राइवर होना जरूरी है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ये बात लानी होगी कि हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास के अंदर कितने बच्चे किस किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कितने हैं वो कौन कौन है, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं मैं जब सवाल करता हूँ मुझे जवाब मिलते हैं तो अलग अलग तरह से जवाब मिलते हैं, वो किस किस तरह की वो कैटेगरी मैंने बनानी कि मुझे तीन तरह के जवाब आते हैं, ये किस तरह होगा जब वो सारा एक डेटा की फॉर्म में मेरे पास होगा, यानी डेटा ड्राइवन मेरी अप्रोच होगी। मैं हर क्लास के बाद ये नोट करूंगा या ड्यूरिंग क्लास भी नोट करूंगा किस किस तरह के रिस्पॉन्सेस कितने लोगों ने दिए, कौन सा बच्चा है जिसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट ये भी डेटा मेरे पास होना चाहिए, उसका लर्निंग स्टाइल ये मुझे पता होना चाहिए, उसके रिस्पॉन्सेज की नौीयत, ये सारी चीजें भी जब डेटा आपके पास होगा तो इसकी बुनियाद पर टीचिंग और लर्निंग को मॉडिफाई किया जाए। तो डेटा की बुनियाद पर ही टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी, बगैर डेटा के आपको टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं करेगी। पहली बात तो ये मैकेनिज्म समझ लें कि हमें अपनी अप्रोच को, अगर हम एआई के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं तो हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग, हमें डेटा ड्राइवन अप्रोच तैयार करनी है। नंबर टू, पर्सनलाइज लर्निंग, ये सबसे ज्यादा हॉलमार्क है एआई का, कि एआई यकीनी किस चीज को बनाती है, पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग क्या है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। हम ये कहते हैं ना कि हर बच्चा अपनी रफ्तार पर सीखता है जनाब, एक तरह से सबको ना हाका जाए ना लेकर चला जाए, देर शुड बी नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी में मुमकिन बना रही है, क्योंकि अगर आप देखें बच्चों की तादाद ज्यादा है और टीचर के पास
कहाँ से इतना टाइम वो मैनेज करे कि वो वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन को मैनेज करे, एक एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखकर उसको कैटर करे, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन वो भी तो बहुत मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी का काम ही है, एआई का हॉलमार्क है कि वो यकीनी बनाती है पर्सनलाइज लर्निंग, हर बच्चे की रफ्तार के हिसाब से, उसके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए और उसकी तालीम को यकीनी बनाया जाए। तो सेल्फ पेस लर्निंग इसको हम कहते हैं। अगली बात, वी हैव टू रेकग्नाइज इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। एआई की मदद से हमें हेल्प होगी लर्निंग स्टाइल को समझने में, उसको रेकग्नाइज करने में। देखिए तीन लर्निंग स्टाइल हम लोग नोट कर ले, लेकिन बहुत से आप में से ऑलरेडी इससे वाकिफ होंगे। एक लर्निंग स्टाइल है ऑडिटरी, ऑडिटरी दोज हु लर्न बाय लिसनिंग। एक लर्निंग स्टाइल है विजुअल, दोज हु लर्न बाय वॉचिंग समथिंग, ठीक है, विजुअल एलिमेंट्स के जरिए। एंड किनेस्थेटिक, किनेस्थेटिक वो लर्नर्स हैं जो करके सीखते हैं, दोज हु लर्न बाय डूइंग, राइट। तो अब ये भी एक पूरा प्रोसीजर है, इन्वेंट्रीज के जरिए हम ऑनलाइन जाकर इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल, इससे हमें पता चल जाता है फिल करके कि मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है। एआई हमें हेल्प करेगा लर्निंग स्टाइल को गेज करने में और उसकी मदद से हम अपने लेसन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें, बच्चे के इंटरेस्ट डिफरेंट है, एबिलिटीज डिफरेंट है, ये भी डेटा की मदद पे एआई हमें हेल्प करेगा। और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, देखें अब चैट जीपीटी की हम बात करते हैं, अभी और टूल्स आपके सामने लेकर आएंगे, तो लेसन प्लान की जब आप बात करें, लेसन प्लान भी एक रिसोर्स है ना, लेसन प्लान हम बनाते हैं रिसोर्स से, तो चैट जीपीटी और जेनरेटिव एआई और एआई के मुख्तलिफ जो टूल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं। तो एआई बेस्ड टीचिंग लर्निंग सोर्सेज को यूज करना है, ठीक है, अपनी जरूरत के मुताबिक, जो हमारी कंडीशन है, स्टैंडर्ड्स है, उनके मुताबिक, ना कि जैसा बस मन कर आ रहा है उसको एज इट इज ले लिया। एआई बेस्ड, देखिए पूरे मैकेनिज्म में क्या होता है, हम पहले रिसोर्स बनाते हैं टीचिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, इवेल्युएशन, ये चीजें भी साथ चलेंगी, यानी जब हमने पढ़ा दिया तो हमें असेस भी तो करना है, ऑब्जर्व भी करना है बच्चे को, खासतौर पे चाइल्डहुड के अंदर तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, असेसमेंट उस तरह से नहीं होती, उसका एलिमेंट कम होता है एडवांस लेवल के अंदर। तो एआई बेस्ड ऑब्जर्वेशन करें, एआई हमें हेल्प करे ऑब्जर्वेशन में, असेसमेंट में और इवेल्युएशन के अंदर, यानी बच्चों की लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चों के रवैये के अंदर चेंज आ रहा है, इसमें हमें एआई हेल्प करेगा। और इसी तरह फाइनली ये है कि एम्ब्रेसिंग चेंज, मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। अगर हम चाहते हैं कि एआई के साथ हम मूव ऑन करें और चाइल्ड डेवलपमेंट को, बच्चों की डेवलपमेंट को, नशोनुमा को यकीनी बनाए, तो हमें एक चीज पर हमें एक चीज को अपने साथ मान लेना होगा, वो ये है कि वी हैव टू बी एम्ब्रेसिंग चेंज। हमें देखिए चेंज को कबूल करना है, आगे बढ़कर उसको लेकर हमने मूव ऑन करना है, तो हमें हेड ऑफ टाइम होना है, हमें वक्त से आगे होना है, हमें फ्यूचरिस्टिक होना होगा। जब तक हम फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे हम इन चीजों को काबू में नहीं कर सकते और अपने इस्तेमाल भी नहीं ले सकते। तो चेंज जब आता है ना तो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, आमतौर पे लोग चेंज को कबूल नहीं करते, लोग चाहते हैं कि रिवायती तरीके से चलते रहे, रिवायती तरीके से पढ़ाएं, चेंज को वो नहीं एक्सेप्ट करते जल्दी, इदारे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, आज के वक्त के अंदर जिन इदारों ने, जिन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, या फिर वो स्कूल्स हों, या किसी भी किस्म की एजुकेशनल एंटिटी हो, ये सब उस वक्त में कामयाब होंगे जब ये इम्प्रेस करेंगे चेंज को। आज जिसने इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को और इस डोमिनेटिंग टेक्नोलॉजी को समझ लिया और उसके साथ अपने आप को तैयार कर लिया, इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन को मूव ऑन करेंगे, तो आपको आगे जाते हुए नजर आए, वो लीड लेंगे और वो पीछे छोड़ देंगे। बल्कि आने वाले वक्तों में यकीनी सी बात है, अगर इस एआई के फिनोमिना को हमने नहीं समझा, इसको इंटीग्रेट नहीं किया, फियर अपनी जगह बरकरार रहा, तो यकीनन फिर ये वो तबका होगा माशरे का जो ना सिर्फ पीछे रह जाएगा बल्कि आने वाले वक्तों के अंदर इदारों की फॉर्म्स बदल रही है, स्कूल्स की फॉर्म बदल रही है, फॉर्म बदलेगी फिर ये सब आउटडेटेड होने के बाद वो माशरे के लिए कारामद नहीं रहेंगे। तो फ्लेक्सिबल रहें। आज अगर मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, ये फ्लेक्सिबल की मैंने बात इसलिए भी लिखी है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी शिफ्ट होती है, आज अगर मैंने आपको एक टूल बताया तो कल यू विल बी यू नो मूविंग टू समथिंग एल्स, एंड यू विल मूविंग टू यू विल बी मूविंग टू यू नो एनी अदर प्लेटफॉर्म। बहुत जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूल्स आ रहे हैं, तो आज अगर एक टूल आपको बता रहे हैं तो फ्लेक्सिबल रहे कि आपको उसमें चेंज भी लाना पड़ सकता है और वो चेंज खुद हो भी जाएगा आने वाले वक्त के अंदर, यू विल बी हैविंग सम अदर ऑप्शन। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये उसूल है जदीद दुनिया के अंदर और इस तेज रफ्तार वक्त में चलने का, कि आप उस चीज को फोर्सी करने की कोशिश करें जो आज मौजूद नहीं,
हम जिस तरह कहते हैं ना कि फ्यूचर जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स हैं वो ऑब्सोल्यूट होने वाली है मार्केट से एआई के डोमिनेंस के बाद, तो जॉब्स रिप्लेस हो जाएगी, ऐसा नहीं खत्म हो जाएंगी, खत्म नहीं होगी, रिप्लेस होगी। तो रिप्लेस होगी तो एआई का जो फिनोमिना है, अगर उसके साथ हम चले हैं, हमने अपने आप को स्किल्ड कर लिया है, तो हम वो पोजीशंस को सिक्योर कर लेंगे। तो हमें फ्यूचर को एनविजन करना है, और हमारा ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क, और उसका प्रोजेक्ट है एनलाइट ग्लोबल सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, हम इब्तदा से ही ये उसूल लेके चल रहे हैं कि वी शुड यू नो फॉर सी द फ्यूचर, वी शुड एनविजन द फ्यूचर, वी शुड बी अहेड ऑफ टाइम, हमें वक्त से आगे रहना है। और इसलिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को हमने अपने साथ मान लिया है कि वक्त से आगे रहकर उसको कबूल करके आप मूव ऑन करें और लेकर आए सॉल्यूशंस, आप फैसिलिटेट करें और इदारों को एआई बेस्ड पावर आप करके मजबूत बनाएं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इन टूल्स को नोट करते जाएं। द फर्स्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, इसका नाम है रोबो गार्डन। रोबो गार्डन आवर ऑफ कोड एक, ऑल्दो ये इसके जरिए स्कूल्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, आप अपने इदारे को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, पूरा कर इसका एक फ्रेमवर्क होता है और उसमें ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं। तो आप रोबो गार्डन का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, ये गेमिफिकेशन, ये कुछ गेम्स हैं जो बच्चों के साथ, अभी पेरेंट्स हैं आप ने वेबसाइट विजिट करें, लिखें आप रोबो गार्डन आवर ऑफ कोड, और इसको हम बल्कि करके भी देख लेते हैं अभी आप लोगों के साथ ही। आप लोग चाहे तो खुद भी आप लोग वेब को यूज करें, मोबाइल पे आप लोग जरा सर्च करें इस वेबसाइट को। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू इंटरफेस भी, मैं आपको दिखा देता हूँ रोबो गार्डन का। तो रूबो गार्डन आवर ऑफ कोड, इसको आप जरा लिखकर सर्च कीजिए और इसका इंटरफेस देखिए, इट इज बोथ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए। तो नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द स्क्रीन ताकि आप लोगों को यहां से भी देख सकें। ओके, आई होप आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। अब ये आपके सामने स्क्रीन है, रूपगढ़ से आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट क्लिक करें। इवन ऐसे हैं कि ग्रेड 12 का मतलब किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक, तो आकर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस वेब को विजिट कर गेमिफिकेशन में अपना एंगेज हो सकते हैं। ये हमारे पास जो स्टीम का एक कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स मैथमेटिक्स, ये सारे कोर्सों ने गेमिंग के जरिए कवर किया है। और यहाँ पर बाकायदा लेवल से जब आप एक लेवल पूरा करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, यानी बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। जैसे फार अवे गेम है, यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो फार अगर मैं जाऊंगा तो दिस इज यू नो ये बड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन हमारे पास है। ये देखें बच्चा, ये गेमिफिकेशन रोबोटिक्स, यानी एक वर्चुअल रोबोटिक्स आपके पास है। यहाँ पर रोबोट को बाकायदा खुद बनाना नहीं है, आपके पास ये वर्चुअल फॉर्म के अंदर चीजें मौजूद हैं। अच्छा, ये आप बात सुन सकते हैं, इट इज एन इंस्ट्रक्शन, फाइन। यहां पर जब आप जाते हैं तो चूंकि एआई बेस है, इसके अंदर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आती हैं, और अगर आप एरर भी करते हैं तो एरर के बाद भी फॉर इंस्ट्रक्शन आपके पास आते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स हियर, और ये गेम्स के जरिए अनइंटेंशनली अनकॉन्शियसली बच्चे को कोडिंग के कॉन्सेप्ट, स्टीम के कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जो इसका काफी हद तक जो हिस्सा है वो फ्री उसके ऊपर वर्जन पे चलता है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ रोबो गार्डन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैं मजीद ऑप्शंस की तरफ चलता हूं। ऑलराइट, अब जरा देखिएगा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, देखें आज आप चैट जीपीटी से कौन वाकिफ नहीं है। चैट जीपीटी एक जेनरेटिव एआई के अंदर उसका शुमार होता है। आप प्रॉम्प्ट करते हैं, जो You आप have कुछ 12 इंस्ट्रक्शन देते हैं, minutes. दैट इज कॉल्ड यू नो प्रॉम्प्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि किड्स चैट जीपीटी का ऑप्शन मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। देखिए चैट जीपीटी तो जर्नल है ना,
उसपे वो स्पेसिफिकली उसकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह तो नहीं है कि बच्चे को खास उसके कॉन्टेक्स्ट को सामने रखिए। एक ऑप्शन है, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म एआई का टूल है, इसको आप नोट कर लें, kidschatgpt.com। kidschatgpt.com प्योरली बनाया गया है बच्चों के लिए और इसकी ट्रेनिंग इस तरह की गई है कि बच्चों के कॉन्टेक्स्ट को समझता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो इसको भी आप एक्सप्लोर करें। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये सारे मैंने वो एरियाज देखे जो बच्चों की लर्निंग, देखें स्टीम लर्निंग एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट पे हमें काम करना है। कम्युनिकेशन एक पूरा एरिया है, ये किड्स चैट जीपीटी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग बच्चों की हो रही है, बच्चों के अंदर खुद मुख्तारी पैदा हो रही है बॉट्स के जरिए से, यानी चैट बॉट है एक तरह का, बॉट्स के जरिए वो रोबोटिक्स का पूरा तस्वुर, उसके जरिए बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, अपना रिस्पॉन्स ले रहा है। इसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाए तो एआई इसमें हेल्प करके एक बड़ा अच्छा टूल है, बडी डॉट एआई के नाम से। बडी डॉट एआई एक एक बड़ा अच्छा लैंग्वेज का टूल है जिसमें आप बात करते हैं, आपको जवाब मिलता है और आपकी कनेक्शन भी साथ में होती है, तो एक इंटरैक्टिव मोड है जो कि मशीन पीछे काम कर रही है, दैट इज नॉट अ ह्यूमन एट ऑल, उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, मशीन इंटेलिजेंस है, एआई बेस्ड ये ट्यूटर है जिसके जरिए आप अपनी स्टूडेंट्स की लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये भी पेरेंट्स इसके अंदर, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पेरेंट्स को भी फोकस कर रहे हैं, टीचर्स को भी फोकस कर रहे हैं, तो टीचर्स ये कर सकते हैं कि बाकायदा इस वेबसाइट के जरिए क्लासरूम में अगर कोई टेक्नोलॉजी का टूल वो ला सके मौजूद हो तो इस वेबसाइट के जरिए कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। पहले आपने अपना फॉर्मल लेसन देख लिया, उसमें 10-15 मिनट इस वेबसाइट के जरिए एक्टिविटी करवा सकती है, इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, देन वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग यू नो टूल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी एक इंग्लिश ट्यूटर है एआई, जिसका नाम है ग्लिगलिश। ग्लिगलिश एक बड़ा जबरदस्त एआई ट्यूटर है और इसकी वेब लिंक भी मैंने दिया है, ये आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर हो जाएंगी और वक्ती तौर पर आप ये टूल्स को नोट करके जाए, ग्लिगलिश.com। दिस टॉक लाइक अ टीचर रोल प्ले, अच्छा इसमें अच्छी बात है कि इसमें रोल प्ले सिचुएशन है, जैसे आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप पेरेंट हैं, मेरा बच्चा जो है वो घर के अंदर किचन के एनवायरनमेंट या जो यू नो हाउस का इंटरनल एनवायरनमेंट है, आप होम एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें होती हैं वो उसमें वो बोलना उसको आ जाए कि कैसे किसी चीज को मंगाना है, कैसे क्या करना है, तो आप बकायदा रोल प्ले सिचुएशन में जाकर होम को क्लिक कर सकते हैं, उस विंडो पे आप क्लिक करें, किचन को क्लिक करें, सोशल गैदरिंग को क्लिक करें, मार्केट को क्लिक करें, वही वाली इंटरेक्शन आपके सामने आ जाएगी रोल प्ले के जरिए। ठीक है, एक और ट्यूटर है फ्लेक्सी, फ्लेक्सी के नाम से, ये एआई मैथ्स और साइंस के अंदर बड़ा अच्छा ये है और ये स्टूडेंट के लिए टीचर के लिए दोनों के लिए, ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी और कुछ पेड भी होंगी, तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, अगर आपको नीड है और आपकी नीड फ्री वर्जन से पूरी होती है तो गो फॉर इट, अदरवाइज अगर इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट और अगर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको पेड बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर सकते हैं। अच्छा खान मीगो, यकीनन खान एकेडमी का नाम मेरे ख्याल में एक ऐसा नाम है जो यकीनन सबने सुना होगा खान एकेडमी का, तो खान एकेडमी के ने एक उनका इनिशिएटिव है खान मीगो के नाम से, उन्होंने चैट जीपीटी टाइप का एक बॉट बनाया है, लेकिन उसको उन्होंने ट्रेन किया है खास तौर पे मैथ साइंस ह्यूमैनिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली मैथ्स का इशू, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का यानी कि सोशल साइंसेस, इनका रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वहां पर इनपुट किया जाता है किसी की भी तरफ से तो वो रेलेवेंट स्टूडेंट के सामने वही रेलेवेंट रिस्पॉन्स, ये आप यूज कर सकते हैं ग्रेड 4 5 5 ग्रेड 5 से ऑनवर्ड्स के जो थोड़े से बड़े बच्चों की तरफ, ठीक है, और कुछ हमने जो पहले टूल यूज किए हैं वो हर उम्र के बच्चों के साथ यूज किए जा सकते हैं। किड जर्नी के नाम से है, इज अ प्लेस फॉर किड्स टू टर्न इंस्पिरेशन इनटू आर्ट। अच्छा देखिए, अगर आप स्टोरीज बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं, देखिए एआई क्या करता है, हम एआई को अपने ह्यूमंस के कामों को डेलीगेट कर देते हैं, ये इसकी फिलोसफी है ना, जो काम हमें करने में वक्त लग रहा है, हमें करने में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाए तो हम डेलीगेट कर देते हैं मशीन की तरफ, हाँ बेसिक आइडिया हमारा होता है, रिफाइन हम उसको कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है बस जो प्रॉम्प्ट के जरिए से हमारे पास चीज बन के आ गई या किसी भी फॉर्म में डिजाइन एलिमेंट्स हमने एआई की मदद से बनवाए तो एज इट इज ले लिया, वो आप उसको क्रिटिकली देखें फिर उसको अपनी नीड के हिसाब से आगे लेके चलें। तो अगर आप स्टोरीज बनाना चाहते हैं और स्टोरीज को पिक्टोरियल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ये किड जैनी आपको हेल्प करेगा, kidjani.com एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। ओके, सो दीज वर यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट टूल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, बहुत अच्छे टूल्स हैं, बहुत से इसमें ऐसे टूल्स हैं जो हम रेगुलर यूज कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये जो टूल्स थे ना पहले, इसमें पेरेंट्स बहुत उनको बहुत कारगर है, स्टूडेंट बच्चे डायरेक्टली भी उसके जरिए वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, गैजेट्स के जरिए से या कोई भी टेक्नोलॉजी का टूल उनके पास है, लैपटॉप के जरिए वो
वो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बच्चे को भी इक्वली हेल्पफुल होंगे और पेरेंट्स को भी, उनके साथ दोनों मिलकर कर सकते हैं, टीचर्स को भी। अब मैं आपके साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो प्योरली टूल्स हैं टीचिंग एंड असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो टीचिंग हो, प्लानिंग हो, असेसमेंट हो, इसमें ज्यादातर अब तक हम जो यूज कर रहे हैं वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल आपको नजर आता है, राइट। अच्छा, लेकिन चैट जीपीटी का लिमिटेशन ये है कि वो फ्री वर्जन में 3.5 जो है उसका खास एक, यानी 2021 या 2022 एक खास उसकी लिमिट है, उससे आगे का डेटा अपडेटेड नहीं, ठीक है। तो चैट जीपीटी 4 की तरह अगर आप जाना चाहते हैं तो वो पेड वर्जन है। अब गूगल ने भी, गूगल जेमिनाई एक ऑप्शन हमारे पास आया है, और उससे भी ज्यादा हमें जो रोबस्ट नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। तो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के जरिए आपको, जब अगर आप उस चैट बॉट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल चैट जीपीटी 4 वाली एनहेंस रिजल्ट आपको वहां पर। तो अगर फ्री की तरफ भी जाना है तो आप चैट जीपीटी पे ना रहे, गूगल जेमिनाई की तरफ जाए, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की तरफ जाए। एक बात याद रखें, चैट जीपीटी या इस तरह के जो जनरेटिव एआई के हमारे पास टूल्स हैं, बॉट्स हैं, इसमें सारा कमाल आपके प्रॉम्प्ट का है। प्रॉम्प्ट यकीनन सबने वर्ड होगा, PROMPT। जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना वो किस अच्छे तरीके से आपने लिखी है, और आप अपनी ऊपर की हिस्ट्री को, थ्रेड को डिलीट ना करें तो कॉन्टेक्स्ट को आपके सेव करता जाए। अगर आपने चैट जीपीटी पे एक थ्रेड लिखी है, लेसन प्लान आप बना रहे हैं उसके जरिए से, तो मेन थ्रेड को रिमूव ना करें, वो आपके कॉन्टेक्स्ट को खुद ही जज करेगा कि अच्छा ग्रेड 6 का बन रहा है। तो बार बार आपको ग्रेड 6 मेंशन नहीं करना, बार बार बच्चों की उम्र मेंशन, क्योंकि एक थ्रेड बना हुआ है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक पूरी फील्ड है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त अगर हम जेनरेटिव एआई को अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर हमें अपने आप को स्किल करना होगा। अदरवाइज कम से कम अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना हम सीखें, और अच्छे प्रॉम्प्ट जितने होंगे, जितना आपका अच्छा सवाल होगा, आपने थ्रेड को महफूज किया होगा, कॉन्टेक्स्ट जितना आप उसको देते रहेंगे उतना परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मैजिक स्कूल एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लेसन प्लानिंग में आपको हेल्प होती है, और लेसन प्लानिंग के साथ साथ रिसोर्सेज डेवलपमेंट में आपको मैजिक स्कूल के जरिए हेल्प हो जाती है। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों को कि टीचिंग, प्लानिंग, असेसमेंट, इनके जरिए आप जो काम कर रहे हैं वो बाकायदा आप अपना एक पूरा एक फ्रेमवर्क बना कर काम करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले नोट डाउन करें, फिर आप बॉट्स को यूज करें। मैजिक स्कूल ये ऐप को हेल्प करेगा। फैची भी एक अच्छा एक टूल है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ टीचर्स कहलाता है, वर्चुअल असिस्टेंट है आपका, आपको हेल्प करेगा। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा जो यहाँ आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है। जब आप पढ़ाते हैं तो आपको टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में आपका लेसन प्लान है, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके रिसोर्सेज होते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, विजुअल्स की फॉर्म में। अगर आप विजुअल्स बनाना चाहते हैं तो डॉली की तरफ जाएं, तो डॉली जो है DALL-E, इसकी तरफ अगर आप जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स OpenAI का ही फ्री एक हमारे पास टूल मौजूद है, वहां पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन देकर अपने आर्ट वर्क बनवा सकते हैं। और आर्ट वर्क बनाने के लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो इट वर्क्स वेल। जितनी ज्यादा डिटेल आप देंगे उतनी अच्छी आर्ट वर्क आपको बना के दे देगा। तो आर्ट वर्क बनवाएं AI की मदद से, स्टोरीज बनवाएं AI की मदद से, प्लानिंग के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर हेल्प लें, ताकि देखिए ये सारी चीजें मिलकर आपको एनहेंस करें। AI को असिस्टेंट, वो है भी असिस्टेंट, उसका रोल इससे ज्यादा नहीं ना लिया जाए कि जनाब मैंने सारा का काम, अब मेरा तो कोई काम ही नहीं है। आपने सोचना है, आपने प्लान आउट करना है, और अपने असिस्टेंट बनाना है, ठीक है, AI टूल्स को। तो आप जो काम बहुत देर में करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ या बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको था, अब आपने स्मार्टली वो काम करना है, राइट। तो स्मार्ट वे के अंदर आपने टूल्स यूज करना है। फॉर्मेटिव के नाम से एक और प्लेटफॉर्म है बड़ा अच्छा, और इसमें आपको लेसन के साथ असाइनमेंट्स बनाने में हेल्प होती है, लेकिन गालिबन ये पेड, एक पेड प्लेटफॉर्म है। अलमैरिक, ये भी बड़ा, ये डिफरेंशिएटेड क्लासरूम के लिए, यानी आप हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से चीजें बनाना चाहते हैं, ये आपको प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। अच्छा, AI क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जनरेटर भी एक बड़ा अच्छा टूल है, taskade.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे, ये लिंक मैंने आपको शेयर किया हुआ है, तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आप जनरेट कर सकते हैं इसके जरिए से, ठीक है। अदर टूल्स के अंदर आपको अगर डिजाइन एलिमेंट्स बनाने हैं, कैनवा आपको हेल्प करता है। पैडलेट को मैंने आज शुरू में ट्रेनिंग में यूज भी किया, आपने देखा कि मैंने एक लिंक जनरेट किया पैडलेट से। पैडलेट पे जाएं, बहुत ही सिंपल वे के अंदर आप अपना पूरा एक पेज डेवलप करके उस पे ओपिनियन सिंक्रोनस ले सकते हैं लाइव, ठीक है, रियल टाइम के अंदर। पैडलेट मैंने यूज किया, क्विजलेट आपको असेसमेंट में हेल्प करता है, नोशन AI आपको हेल्प करता है। ये वो टूल्स मैंने यहाँ पर किए हैं जो बहुत ज्यादा रोबस्ट हैं, और आपको ना सिर्फ प्लानिंग में, टीचिंग में, बल्कि असेसमेंट में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने जिक्र किया है, शॉर्टली मैंने कोशिश की कि आपके साथ
पूरा आज तक का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें अवेयर होना है, हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्प्रिट को समझना है, ताकि वो सारी चीजें हम आज ही अपने टीचिंग लर्निंग डायनामिक्स में कनेक्ट कर लें, हम अपने वर्क रोल के अंदर एआई को जोड़े इस तरीके से कि हमारी वर्क परफॉर्मेंस, हमारी एफिशिएंसी, हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव हो जाए, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी जो है वो अच्छी हो जाए, और हमारा हमारे अंदर एक निखार पैदा हो। तो वो किस किस तरह हो सकता है और एआई का पूरा फलसफा क्या है, खासतौर पर डेटा पैटर्न कोड एल्गोरिथम। देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिना थे, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ उसमें फोकस करते हुए मैं बात को आगे लेके चला हूँ। तो आज हमारा मकसद ये था कि आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट का फिनोमिना शेयर किया जाए, उसकी बेसिक्स को हम शेयर करें आपस में, समझें चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरीके से किस तरह मुमकिन है, और एआई हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है, एआई क्यों जरूरी है, कितने हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास है और कितना काम अभी बाकी है, और फिर ऑफ कोर्स जो थ्रेड्स थे उसका भी हमने जिक्र किया। तो मैं आखिर में शेयर करना चाहूंगा है कि आपका विजन आपको आगे लेके जाता है, दिस इज यू नो अ सॉर्ट ऑफ मैसेज, एआई पावर्ड एजुकेशन अब ये ट्रेंड है, और हमारा जो डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्शन स्कूल्स भी है, डायरेक्शन कैम्ब्रिज स्कूल है, इसके साथ एनलाइट ग्लोबल सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन है, एक और हमारा प्रोजेक्ट वो डेप पब्लिकेशन के नाम से। तो डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क में और इसके जो हमारे फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है शब्बीर साहब, उनका विजन ये है कि हम सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दें, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ये चीजें परफॉर्म कर रही है ना, ये इनका आपस में एक बड़ा जबरदस्त कनेक्शन होना चाहिए, स्कूल का कनेक्शन, टेक्नोलॉजी का कनेक्शन, प्लानिंग का, स्टेक होल्डर्स का, राइट, टीचर्स का, पेरेंट्स का, जितने भी अज्जा तो हमारी ख्वाहिश यह है डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क की कि हम फ्यूचर को एनविजन करके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से आगे रहना चाहते हैं, और इसकी पहली जो बात है वो भी वी आर वर्किंग ऑन चेंजिंग पर्सपेक्टिव, हम पहली कोशिश तो ये कर रहे हैं हम अपना और आपका पर्सपेक्टिव तब्दील करें, अब हमें चीजों को देखने का जाविया बदलना है, हमने अपना लेंस बदलना है, ट्रेडिशनल लेंस के साथ हम दुनिया को नहीं देख सकते, और देखें रेडिकल शिफ्ट लाने के लिए जैसे मैंने कहा कि चेंज उस वक्त आता है जब चेंज को एक्सेप्ट भी किया जाए, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है चेंज की, तो हम अब ये भी कोशिश कर रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एजुकेशनल मैनेजर्स हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में, इनको इंगेज करें हम इस काम को करने के लिए, फ्यूचर को एनविजन करते हुए। और अब हम जिस पर काम कर रहे हैं, हम करिकुलम को रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, एआई पावर्ड करिकुलम, एआई पावर्ड पेडागोजी यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग, एआई पावर्ड असेसमेंट एंड एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी डोमेन्स ये एआई पावर्ड हो, तब जाकर ये रेवोल्यूशनरी चीज हमारे सामने आएगी। सो वी आर वर्किंग ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑल दीज एलिमेंट्स एट डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क, और भी हमारे स्कूल और आने वाले इनिशिएटिव्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, हो रहा है और आगे मजीद होना है। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कॉस्ट इफेक्टिव एआई इंटरवेंशन। अभी अगर आप चाइना की तरफ देखें तो कुछ ही महीने पहले जो एक चीज हमारे सामने है कि दे हैव वर्कड ऑन सर्टेन गैजेट्स, वो गैजेट इस तरह के हैं, वो टूल्स इस तरह की चीजें, बैंड्स हैं बच्चे के आप सर पे लगा देते हैं तो उसका जो अटेंशन लेवल है वो गेज हो रहा होता है, वो आइडेंटिफाई टीचर रियल टाइम में कर रहा होता है कि बच्चे का इस वक्त में कौन अटेंटिव है कौन नहीं है, तो वो डेटा उसके जरिए से आ रहा होता है। तो अब चाइना की अगर बात की जाए तो दे हैव इन्वेस्टेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए एआई के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दैट इज गिविंग ह्यूज कॉस्ट, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है जो हमारा अपना एक यू नो इतना एक स्ट्रेटेजी हमारी डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क की भी है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन तो निकालें ना, हम आगे बढ़ना शुरू करें, एक्सेप्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर एक कैमरे की भी बात की जाती है तो एक कैमरा जिस तरह आपकी तस्वीर ले रहा है तो आपके फेस को और आपके पैटर्न्स को भी तो मॉनिटर कर सकता है ना, आपकी एज को भी और बहुत सारे फैक्टर्स को, वो एक ही कैमरा एक टूल हमें एआई के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, जो एक रेगुलर कैमरा जस्ट यू नो इट्स अ कैमरा इज देयर फॉर यू नो सर्वेलेंस, जो सर्वेलेंस के लिए सिक्योरिटी के लिए है, वो एक कैमरा भी एक आपका एआई टूल बन सकता है। तो इस पर आपने भी सोचना है, हमने भी सोचना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दिनों रात इसके अंदर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनिशिएटिव्स दे रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। और मैं इस वक्त खास तौर पे आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अब हमारा सेशन एंड पर है,
तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये बात मैं शेयर करना चाहूंगा, और खास तौर पे वो भी जो हमारे ऑलरेडी नेटवर्क के साथ, डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड हैं, कि देर इज मच मोर टू कम, बहुत कुछ अभी मजीद आने वाला है, और इनशाला वो जितनी भी डेवलपमेंट्स अभी आपके सामने आएंगी वो इंस्पायरिंग होंगी, इंगेजिंग होगी, और ऐसी चीजें आपके सामने होंगी जिससे आपका हमारा फायदा है, और हम सब मिलकर एजुकेशन एजुकेशन की डोमेन के अंदर अपने आप को, अपनी जनरेशन को, अपने तालीमी इदारों को एम्पावर कर सकें, और जो किरदार साजी की हमने बात की, एक अच्छा किरदार और एक अच्छी सलाहियत के साथ हमारे बच्चे परवान चढ़ सकें। यहाँ पर मैं अपने सेशन को क्लोज करूँगा, एंड मैं चाहूँगा कि इस वक्त में आप लोग अपने चैट के जरिए अपने फीडबैक को, मुख्तसर आपके कमेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और एक बात और शेयर करता चलूँ कि सर्टिफिकेट्स विल बी यू नो प्रेजेंटेड एंड विल बी गिवन टू ऑल रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इसलिए आपका, हमने हमने रिक्वेस्ट की थी शुरू में कि आप अपने पूरे पूरे नाम भी चैट पे शेयर कर दें, अभी भी अगर किसी ने अपना कंप्लीट नेम शेयर नहीं किया है तो वो चैट पर शेयर कर दें, ताकि वो डेटा हमारे पास महफूज हो, और इंशाल्लाह होपफुली विद इन अ डे, एक या दो दिन के अंदर, मैक्सिमम मंडे तक, होपफुली आप लोगों के पास, आपके व्हाट्सएप नंबर जो हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं, आपको सर्टिफिकेट्स उस पर शेयर कर दिए जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि ईमेल के थ्रू, अगर व्हाट्सएप पे किसी का कॉन्टैक्ट नहीं आता तो ईमेल के जरिए आपको जरूर बजरूर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको भेजे जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में जो एक कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने अपने फेसबुक के पेज पे दिया है, वहां पर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, आपका नाम शेयर होने से रह गया, सर्टिफिकेट में इशू आया, तो वहां से भी हम आपको एंटरटेन करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। मैं चाहूंगा कि आप चैट पे भी अपने फीडबैक को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ये भी हमारी कोशिश होगी कि हम आज का सेशन रिकॉर्ड भी किया है, सो इट विल बी फाइनली एडिटेड, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम फेसबुक पे एनलाइट का जो हमारा पेज है, facebook.com/enlightpd, वहां पर भी इसको हम शेयर करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।